बोस एंथनी डिसूजो द्वारा निर्मित बॉलीवुड की एक एक्शन मसाला फिल्म है। जो फिल्म का निर्माण कैप गुड फिल्म और अश्विन वर्दी प्रोडक्शंस ने किया और अक्षय कुमार, विधुन चक्रवर्ती, शिव पंडित, अदिति राव हयाद्री और रोहित रॉय अभिनीत है। यह स्पष्ट रूप से मलयाली फिल्म पोकरू राजा का पुनर्निर्माण है, जिसमें मामूटी, पृथ्वी सुकारम और श्रिया शरण से ने अभिनय किया है। बोस निर्देशक हैं एंथनी डिसूजा, निर्माता अश्विन वर्दी, कहानी फरहाद साजिद, पटकथा और संवाद भी आधारित पोकरी राजा, अभिनेता अक्षय कुमार, मितिन चक्रवर्ती, अदिति राव हयाद्री, शिव पंडित, रोहित रॉय। संगीतकार हैं बीन ब्रोस, अनंजाम, चिरंतन भट्ट, पी ए दीपक, योयो हनी सिंह। वितरक हैं वायको मीटिन, प्रदर्शन तिथि 16 अक्टूबर 2030, समय सीमा 143 मिनट्स, भाषा हिंदी। बोस फिल्म का ट्रेलर अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के साथ 14 अप्रैल 2013 को जारी किया गया, जो एक दिन बाद जारी की गई है। फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर 27 अगस्त 2013 को जारी किया गया और यह फिल्म 16 अक्टूबर 2013 को जारी की गई है। कथानाक है एक ईमानदार स्कूल प्रिंसिपल सत्यकांत शास्त्री, मिथुन चक्रवर्ती के दो बेटे सूर्य और एक शिव पंडित है। सूर्य बचपन से ही बेहद गुस्सेल स्वभाव का है, जो अपने पिता या परिवार के खिलाफ कुछ भी सुनता बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब वो छोटा था तभी अपने एक साथी की हत्या इसीलिए की थी क्योंकि वो उसके पिता का मजाक उड़ाता है। इसी कारण सत्यकांत भी उसे तुरंत जाने को कह देते हैं, परंतु उससे ये व्यापारी अपने पास रख लेता और कुछ सालों बाद सूर्य खुद को बोस में बदल देता है और समाज के अवांछित तत्वों के खिलाफ लड़ता है। इसके कलाकार अक्षय कुमार, बोस, मिथुन चक्रवर्ती, सत्यकांत शास्त्री, शिव पंडित, शिव, रणित रोय, आयुष्मान ठाकुर, अदिति राव हयाद्री, अंकिता, जोनी लीवर, जोरावर डिनी डेंसोंग, अपना संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी, परीक्षित सहानी, सोनाक्षी सिन्हा, कोमियो अभिनय में प्रभुदेवा, हमने छोड़े थोड़े गाने में विशेष उपस्थिति, हनी सिंह, पार्टी ऑल नाइट गाने में विशेष उपस्थिति, अक्षय कुमार पंजाबी, राजीव हरी, ओम भाटिया 9 सितंबर 1967 को भारत में जन्मे देशीकृत कैनेडाई बॉलीवुड फिल्म अभिनेता है, जो 145 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। जन्म अमृतसर, पंजाब, भारत, राष्ट्रीयता कनाडा, नागरिकता 2011 तक भारत, निवासी, के बाद कनाडा, व्यवसाय फिल्म अभिनेता, कार्यकाल 1991, वर्तमान ऊंचाई 5 फीट 11 इंच, जीवन साथी ट्विंकल खन्ना सन 2001, वर्तमान पुरस्कार श्रेष्ठ खलनायक 2019, सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता। 90 के दशक में हिट एक्शन फिल्मों जैसे खिलाड़ी, 1992 मोहरा, सबसे बड़ा खिलाड़ी में अभिनय करने के बाद कारण कुमार को बॉलीवुड का एक्शन हीरो की संज्ञा दी जाती है और विशेषतः वे खिलाड़ी संकला के लिए जाने जाते हैं। फिर भी वह रोमांटिक फिल्मों जैसे ये दिल लगी और धड़कन में अपने अभिनय के लिए सम्मानित किए गए हैं और साथ ही साथ ड्रामेटिक फिल्मों जैसे एक रिश्ता में अपना अभिनय क्षमता को दिखाया। सन 2002 में उन्होंने अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खलनायक फिल्म अजनबी में अभिनय के लिए दिया गया। अपनी एक ही छवि को बदलने के इच्छुक अक्षय कुमार से ज़्यादातर कॉमेडी फिल्मों की फिल्म हेरा फेरी, मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला और जाने मन में हास्य अभिनय के लिए फिल्म समीक्षकों द्वारा उनकी प्रशंसा की गई है। सन 2007 में भी सफलता की ऊंचाई को छूने लगी जब उनके द्वारा अभिनीत 4 लगातार कर्मशाली फिल्में हिट हुई। इस तरह से उन्होंने अपने आपको हिंदी फिल्म उद्योग में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में उपस्थिति किया। वे मार्शल आर्ट, सामरिक कला की शिक्षा बैंकॉक से प्राप्त करके आए और वहां पर उन्होंने रसोईया की नौकरी भी करते थे। फिर वे मुंबई वापस आ गए जहां वे मार्शल आर्ट की शिक्षा देने लगे। उनका एक विद्यार्थी जो एक फोटोग्राफर था, उसने उनको मॉडलिंग करने को कहा। उस विद्यार्थी ने उन्हें एक छोटी कंपनी में एक मॉडलिंग असाइनमेंट दिया, उन्हें कैमरे के सामने पोज देने के लिए 2 घंटे के 5,000 रुपये दिए जाते थे। पहली ही तनख्वाह 4,000 रुपये प्रति महीने की तुलना में एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि वे
क्यों मॉडल बने। मॉडलिंग करने के 2 महीने बाद कुमार को प्रमोद चक्रवर्ती की अंततः अपनी फिल्म दीदार में अभिनय करने का मौका दिया गया। अक्षय कुमार बॉलीवुड के अभिनय की शुरुआत 1991 की फिल्म सौगंध से की, जो सराही नहीं गई। उनकी पहली फिल्म प्रमुख किट 1992 की थ्रिलर फिल्म खिलाड़ी थी। 1993 का वर्ष उनके लिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि उनकी अधिकतर फिल्में फ्लॉप हो गई। फिर भी 1994 का वर्ष कुमार के लिए बेहतरीन वर्ष रहा, जिसमें खिलाड़ी के साथ मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी और मोहरा जो साल का सर्वाधिक सफल फिल्मों में था। बाद में यश चोपड़ा ने उन्हें रोमांटिक फिल्म ये दिल लगी में लिया गया, जो एक सफल फिल्म थी। उन्हें उन फिल्म के लिए सराहना मिली जिससे वह रोमांटिक किरदार में थे और बहुत ही अलग था। उनके एक्शन किरदार में उन्हें फिल्म फेयर और स्टार स्क्रीन उत्सवों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला नॉमिनेशंस मिला। ये सारी उपलब्धियां संजय को उस साल का सफलता अभिनेता बना दिया। 1995 में उनकी फिल्म सफल फिल्मों के सातवें खिलाड़ी श्रेणी की तीसरी फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी में अभिनय किया गया, जो एक हिट फिल्म थी। वे खिलाड़ी श्रेणी की सभी फिल्मों में सफल रहे और उन्हें फिर बाद में वर्ष के खिलाड़ी टाइटल के बाद फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी के अभिनय किया, जिसमें उनके साथ रेखा और रवीना टंडन थी। यह फिल्म उस साल का सर्वाधिक सफल फिल्म रही। 1997 में यश चोपड़ा की हिट फिल्म दिल तो पागल है में मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई, जिसमें से उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकन किया गया। उसी साल वे खिलाड़ी श्रेणी की 5वीं फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी की हास्य भूमिका में नजर आए। खिलाड़ी टाइटल के साथ उनकी पिछली फिल्मों की तरह यह फिल्म हिट हुई और इसी तरह से वह फिल्म की तरह उनका अगला खिलाड़ी नाम भी रिलीज सारी फिल्मों में आने लगा और बॉक्स ऑफिस तक हिट होते चला गया। 1999 की फिल्म संघर्ष और जानवर में उनके किरदार के लिए अच्छी सराहना मिली, जबकि पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल हो सकी पर बाद में उन्हें सफलता मिली। सन 2000 में हास्य फिल्म हेराफेरी के अभिनय किया गया, जो हर लिहाज से सफल रही और इस फिल्म में उनके अपने अपनों का एक एक्शन और रोमांटिक भूमिका की तरह एक सफल हास्य रोल भी अच्छी तरह से निभाया। उन्होंने रोमांटिक फिल्म धड़कन में भी काम किया और बाद में उसी साल उन्हें काफ़ी सफलता मिली। सन 2001 फिल्म अजनबी में कुमार एक नकारात्मक किरदार निभाया, जिसमें उनकी काफ़ी सराहा गया और बेस्ट विलेन के लिए उनका फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। हेराफेरी की सफलता के बाद अक्षय कुमार ने एक हास्य फिल्मों में काम किया, जिनमें शामिल हैं आवारा पागल दीवाना, मुझसे शादी करोगी और गरम मसाला। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही और उनके अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का 2वां फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। अपनी एक्शन हास्य और रोमांटिक भूमिका के अलावा कुमार ने ड्रामाई एंड हास्य फिल्म फेयर के बखूबी निभाए, जैसे कि ये रिश्ता, आंखें, बेवफा और वक्त। सन 2006 में वे हेरा फेरी टाइटल से बनी दूसरी फिल्म फिर हेरा फेरी के अभिनय किया, जिससे पिछली फिल्म की तरह इस सफल बॉक्स ऑफिस में सफल हुई। बाद में उसी वर्ष सलमान खान ने के साथ रोमांटिक संगीत फिल्म जाने मन के अभिनय किया गया। इसी फिल्म का बेसब्री से इंतजार था और आलोचना से अच्छा रिव्यू मिलने के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। फिल्म तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी, परंतु एक शर्मिले और प्यारे व्यक्ति के रूप में उनकी तारीफ की गई। वे इस वर्ष हास्य फिल्म भागम भाग से समाप्त की और सफल रही और उसी साल गर्म सन 2006 के विनम्र किया गया कि सैफ अली खान, प्रीति जिंटा, सुष्मिता सेन और सेलिना जेटनी साथ थे। वर्ष सन 2007 तक से कुमार के लिए उनके कैरियर के इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा सफल रहा और बॉक्स ऑफिस के विश्लेषणों में शायद ही कभी नाते के लिए 4 सीधे ही तोर बिना किसी फ्लोप में शानदार प्रदर्शन रहा। उनकी पहली फिल्म नमस्ते लंदन आलोचनात्मक दृष्टि व कॉमर्शियल दृष्टि से सफल रही। आलोचना तंद आदर्श ने फिल्म में उनके प्रदर्शन के बारे में लिखा कि वह निश्चित रूप से फिल्म देखने लाखों दर्शकों के मन अपनी इस फिल्म के जरिए ले लेंगे। उनकी 2 अगली फिल्म हे बेबी और भूल भुलैया दोनों बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। वर्ष का कुमार के लिए आखिरी रिलीज वेलकम थी, जिसके बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, ब्लॉकबस्टर का अवसर मिलाता था। साथ में वे 5वीं लगातार हिट फिल्म देने लगे और हीरो बन गए। उस वर्ष कुमार की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई वह विदेशी बाजार में भी अच्छा किया। अक्षय कुमार
डेयर टू डॉन्स की एंकरों संरक्षण की भूमिका निभाएंगे। रियलिटी शो लाइक ओके का प्रदर्शित होगा। निजी जीवन, इनका जरा अमृतसर पंजाब भारत के हरिओम भाटिया और अरुणा भाटिया के घर एक पंजाबी परिवार में हुआ था। बॉलीवुड में रहने के दौरान कुमार का नाम उसके साथ काम करने वाली कई अभिनेत्री के साथ जोड़ा गया, जिससे रवीना टंडन, रेखा और शिल्पा शेट्टी, जानी माने कलाकार राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना से दो बार सगाई होने के बाद अंत में उनकी 14 जनवरी सन 2001 में शादी कर ली। उनके बेटे का नाम आरव है, जिसके 15 सितंबर सन 2002 में जन्म लिया। वर्ष सन 2007 में मुंबई के एक जाने माने टैबलोइड समाचार पत्र में एक खबर छपी कि उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई है और वे घर से बाहर निकल गए हैं। वे एक होटल में रह रहे हैं। बीच में खबर यह भी आई थी कि अफेयर के चलते ट्विंकल खन्ना ने उनको थप्पड़ भी मारा था, पर बाद में अक्षय कुमार ने खुद इस खबरों का खंडन किया। 26 जुलाई को 2007 को पति पत्नी ने टैबलोइड की एक नामूनी नोटिस भेजा, जिसमें बताया गया कि वह अफवाह झूठी थी, कुमार ने कहा। नागरिकता, सन 2011 में कैनेडाई संघीय चुनाव के दौरान या उसके बाद कुछ समय बाद वहाँ की कंजर्वेटिव सरकार ने एक अल्पज्ञात कानून लागू करके कहा कि कनाडा की नागरिकता प्रदान की, जो कनाडा के अप्रवासियों के लिए सामान्य निवास आवश्यकता की दरकिनार करने की अनुमति देता है। कंजर्वेटिव पार्टी के पूर्व मंत्री टोनी क्लाइमेट्स के अनुसार कुमार को कनाडा भारतीय संबंधों का आगे बढ़ाने के लिए उपयोग के लिए स्टार पावर और कनाडा के व्यापार संबंधों, व्यावसायिक संबंधों, फिल्म क्षेत्र में डालने की पेशकश के बदले नागरिकता प्रदान की गई थी। पर्यटन क्षेत्र में हालांकि कुमार इससे पहले एक बड़े इंडो कैनेडियन आबादी वाले शहर एंडोटेरियो और ब्रेप टाउन में कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री स्टीफन हॉपर्स के लिए एक अभिमान कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे और हॉपर्स की प्रशंसा की थी। क्लेमेट्स के इस बात से इनकार किया कि नागरिकता पक्षपातपूर्ण समर्थन का पुरस्कार थी। कुमार ने विंडसर विश्वविद्यालय की डायरेक्टर और मानद उपाधि प्राप्त की थी और अर्थशास्त्री के लगभग 2010 में एक साक्षात्कार में दावा किया कि उसके पास दोहरी नागरिकता है। वह कनाडा के ओलंपिक मशाल वाहक रैली के आमंत्रित सन 2015 अंतर्राष्ट्रीय हादसों में से एक थे। दिसंबर सन 2019 में कुमार ने कहा कि उसकी भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन किया और अपनी कनाडाई नागरिकता छोड़ने की योजना बना रही हैं। इन्हें भी देखिए, अक्षय कुमार को प्राप्त पुरस्कार और नामांकनों की सूची, अक्षय कुमार की फिल्मोग्राफी, भारतीय फिल्म अभिनेताओं की सूची, संदर्भ अक्षय कुमार सीरीज द चिल्ड्रन टेलीविजन और वेरिएशंस, अदिति राव हैदरी या लेख के आधारक जानकारी जोर से बढ़ाने के लिए मदद करें। अदिति राव हैदरी एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जिसका जन्म हैदराबाद तेलंगाना में 1973 में हुआ था। ये शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के निपुण हैं। इन्होंने कई फिल्मों में कार्य किया। सन 2017 की फिल्म वजीर वंडर टू पाक्षात अंतरिक्ष 9000 किलोमीटर पर आवार। अदिति राव हैदरी का नाम हैदराबाद के 28 अक्टूबर को हुआ था। ऐशान हैदरी और उनकी पत्नी विद्या राव एक पक्षनीय शास्त्रीय नागरिक संगीत के ठुमरी और दादरा शैलियों के लिए लोकप्रिय हैं। उसके पिता जो सन 2013 में मारे गए थे बोहरी मुस्लिम थे, जबकि उसकी मां जो जन्म से हिंदू और व्यावसायिक बौद्ध और मंगलोर में चित्रापू शाश्वत है जो आधे तेलुगु। इस प्रकार हैदरी अर्थ हैदराबादी और अर्थ कोंकण विरासत है। हैदरी दो शाही वंशों से संबंधित है, मोहम्मद शाली अकबर हैदरी और विनापार्थी परिवार के पूर्व राजा जे जे रामेश्वर। वह अकबर हैदरी हैदराबाद राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री ऑप्शन वेसेस भारत और असम के पूर्व गवर्नर मोहम्मद शालेकर अकबर हैदरी के भव्य भतीजी के महान पोती हैं। अदिति के दादा दादी राजा जे राजेश्वर राव हैं, जिनके एपोक्सिनेशन भारत के दौरान वनापार्थी राज्य के प्रशासक हैं। मामाज मोजूफ मचाई भारत मूल के 15 जुलाई सन 2018 को पुराली की अभिगमन तिथि 2 जुलाई सन 2018। डेलगल समरीजी अदिति अनित राव एक भारतीय अभिनेता है जो भारतीय टेलीविजन और भारतीय फिल्म उद्योग के लिए अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। राय को छोटे पर्दे का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है। जन्म रनित रॉय 11 अक्टूबर 1965, आयु 56 वर्ष, नागपुर महाराष्ट्र भारत, आवास मुंबई महाराष्ट्र भारत, व्यवसाय अभिनेता व्यवसायी।
कार्यकाल 1984 वर्तमान ऊंचाई 5 फुट 8 इंच 1.73 मीटर जीवन साथी नीलम सिंह सन 2003 वर्तमान बच्चे दिन संबंधी रोहित रॉय भाई एक व्यवसाय ब्रेटिन बोस रॉय की डोली रॉय से अधिक बड़े हैं। उनके छोटे भाई रोनित रॉय भी एक टीवी अभिनेता है। रोनित रॉय ने अपना बचपन अहमदाबाद गुजरात में बिताया है। मिथुन चक्रवर्ती बचपन का नाम गुरांग चक्रवर्ती साजन 16 जून 1950 को हुआ तो ये भारत के एक फिल्म अभिनेता सामाजिक कार्यकर्ता उद्यमी और राज्यसभा के सदस्य हैं। मिथुन ने अपने अभिनय की शुरुआत कला फिल्म रज्ञा से की है जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 1980 के दशक में उनके सुनहरे दौर में एक डॉसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को बहुत बड़ा उनके साथ प्रशंसक मिले और खुद को उन्होंने भारत में सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्म में डिस्को डांसर एंड में स्टार डांसर जिमी की भूमिका में लोकप्रिय बनाया और 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा लोकप्रिय कलाकार थे। बोस एंथनी डिसूजो द्वारा निर्मित बॉलीवुड की एक एक्शन मसाला फिल्म है जो फिल्म का निर्माण कैप गुड फिल्म और अश्विन वर्दी प्रोडक्शंस ने किया और अक्षय कुमार विधुन चक्रवर्ती से पंडित अदिति राव हयाद्री और रणित रॉय अभिनीत है। यह स्पष्ट रूप से मलयाली फिल्म पोकरू राजा का पुनर्निर्माण है जिसमें मामूटी पृथ्वीराज सुकारम और श्रिया सरन से ने अभिनय किया है। बोस निर्देशक हैं एंथनी डिसूजा निर्माता अश्विन वर्दी कहानी फरहाद साजिद पटकथा और संवाद भी आधारित पोकरी रासा अभिनेता अक्षय कुमार मिथुन चक्रवर्ती अदिति राव हयाद्री शिव पंडित रणित रॉय संगीतकार हैं बीन ब्रोस अनंजाम चिरंतन भट्ट पी ए दीपक योयो हनी सिंह वितरक हैं वायको मीटिंग प्रदर्शन तिथि 16 अक्टूबर 2030 समय सीमा 143 मिनट्स भाषा हिंदी। बोस फिल्म का ट्रेलर अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के साथ 14 अप्रैल 2013 को जारी किया गया जो एक दिन बाद जारी की गई है। फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर 27 अगस्त 2013 को जारी किया गया और यह फिल्म 16 अक्टूबर 2013 को जारी की गई है। कथानाक है एक ईमानदार स्कूल प्रिंसिपल सत्यकांत शास्त्री मिथुन चक्रवर्ती के दो बेटे सूर्य और एक शिव पंडित हैं। सूर्य बचपन से ही बेहद गुस्सेल स्वभाव का है जो अपने पिता या परिवार के खिलाफ कुछ भी सुनता बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब वो छोटा था तभी अपने एक साथी की हत्या इसीलिए की थी क्योंकि वो उसके पिता का मजाक उड़ाता है। इसी कारण सत्यकांत भी उसे तुरंत जाने को कह देते हैं परंतु उससे ये व्यापारी अपने पास रख लेता और कुछ सालों बाद सूर्य खुद को बोस में बदल देता है और समाज के अवांछित तत्वों के खिलाफ लड़ता है। इसके कलाकार अक्षय कुमार बोस मिथुन चक्रवर्ती सत्यकांत शास्त्री शिव पंडित शिव रणित रॉय आयुष्मान ठाकुर अदिति राव हयाद्री अंकिता जोनी लीवर जोरावर डिनी डेंसोंग अपना संजय मिश्रा मुकेश तिवारी परीक्षित सहानी सोनाक्षी सिन्हा कोमियो अभिनय में प्रभुदेवा हमने छोड़े थोड़े गाने में विशेष उपस्थिति हनी सिंह पार्टी ऑल नाइट गाने में विशेष उपस्थिति अक्षय कुमार पंजाबी राजीव हरी ओम भाटिया 9 सितंबर 1967 को भारत में जन्मे देशी कृतिम कैनेडाई बॉलीवुड फिल्म अभिनेता है जो 145 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। जन्म अमृतसर पंजाब भारत राष्ट्रीयता कनाडा नागरिकता 2011 तक भारत निवास के बाद कनाडा व्यवसाय फिल्म अभिनेता कार्यकाल 1991 वर्तमान ऊंचाई 5 फीट 11 इंच जीवन साथी ट्विंकल खन्ना सन 2001 वर्तमान पुरस्कार श्रेष्ठ खलनायक 2019 सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता 90 के दशक में ही टैक्सन फिल्मों जैसे खिलाड़ी 1992 मोहरा सबसे बड़ा खिलाड़ी में अभिनय करने के बाद कारण कुमार को बॉलीवुड का एक्शन हीरो की संज्ञा दी जाती है और विशेषतः वे खिलाड़ी संकला के लिए जाने जाते हैं। फिर भी वह रोमांटिक फिल्मों जैसे ये दिल लगी और धड़कन में अपने अभिनय के लिए सम्मानित किए गए हैं और साथ ही साथ
ड्रामेटिक फिल्मों जैसे एक रिश्ता में अपना अभिनय क्षमता को दिखा है। सन 2002 में उन्होंने अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खलनायक फिल्म अजनबी में अभिनय के लिए दिया गया। अपनी एक ही छवि को बदलने के इच्छुक अक्षय कुमार से ज़्यादातर कॉमेडी फिल्मों की फिल्म हेरा फेरी, मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला और जाने मन में हास्य अभिनय के लिए फिल्म समीक्षकों द्वारा उनकी प्रशंसा की गई है। सन 2007 में भी सफलता की ऊंचाई कुछ होने लगी जब उनके द्वारा अभिनीत चार लगातार कर्मशाली फिल्में हिट हुई। इस तरह से उन्होंने अपने आपको हिंदी फिल्म उद्योग में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में उपस्थिति किया। वे मार्शल आर्ट सामरिक कला की शिक्षा बैंकॉक से प्राप्त करके आए और वहां पर उन्होंने रसोईया की नौकरी भी करते थे। फिर मुंबई वापस आ गए जहां वे मार्शल आर्ट की शिक्षा देने लगी। उनका एक विद्यार्थी जो एक फोटोग्राफर था उसने उनको मॉडलिंग करने को कहा। उस विद्यार्थी ने उन्हें एक छोटी कंपनी में एक मॉडलिंग असाइनमेंट दिया उन्हें कैमरे के सामने पोज देने के लिए 2 घंटे के 5,000 रुपये दिए जाते थे। पहली ही तनख्वाह 4,000 रुपये प्रति महीने की तुलना में एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि वे क्यों मॉडल बने। मॉडलिंग करने के 2 महीने बाद कुमार को प्रमोद चक्रवर्ती के अंततः अपनी फिल्म दीदार में अभिनय करने का मौका दिया गया। अक्षय कुमार बॉलीवुड के अभिनय की शुरुआत 1991 की फिल्म सौगंध से की जो सराही नहीं गई। उनकी पहली फिल्म प्रमुख किट 1992 की थ्रिलर फिल्म खिलाड़ी थी। 1993 का वर्ष उनके लिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि उनकी अधिकतर फिल्में फ्लॉप हो गई। फिर भी 1994 का वर्ष कुमार के लिए बेहतरीन वर्ष रहा जिसमें खिलाड़ी के साथ मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी और मोहरा जो साल का सर्वाधिक सफल फिल्मों में था। बाद में यश चोपड़ा ने उन्हें रोमांटिक फिल्म ये दिल लगी में लिया गया जो एक सफल फिल्म थी। उन्हें उन फिल्म के लिए सराहना मिली जिससे वह रोमांटिक किरदार में थे और बहुत ही अलग था। उनके एक्शन किरदार में उन्हें फिल्म फेयर और स्टार स्क्रीन उत्सवों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला नॉमिनेशंस मिला। ये सारी उपलब्धियां संजय को उस साल का सफलता अभिनेता बना दिया। 1995 में उनकी फिल्म सफल फिल्मों के सातवें खिलाड़ी श्रेणी की तीसरी फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी में अभिनय किया गया जो एक हिट फिल्म थी। वे खिलाड़ी श्रेणी की सभी फिल्मों में सफल रहे और उन्हें फिर बाद में वर्ष के खिलाड़ी टाइटल के बाद फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी के अभिनय किया जिसमें उनके साथ रेखा और रवीना टंडन थी। यह फिल्म उस साल का सर्वाधिक सफल फिल्म रही। 1997 में यश चोपड़ा की हिट फिल्म दिल तो पागल है में मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई जिसमें से उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकन किया गया। उसी साल वे खिलाड़ी श्रेणी के 5वीं फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी की हास्य भूमिका में नजर आए। खिलाड़ी टाइटल के साथ उनकी पिछली फिल्मों की तरह यह फिल्म हिट हुई और इसी तरह से वह फिल्म की तरह उनका अगला खिलाड़ी नाम भी रिलीज सारी फिल्मों में आने लगा और बॉक्स ऑफिस तक हिट होते चला गया। 1999 की फिल्म संघर्ष और जानवर में उनके किरदार के लिए अच्छी सराहना मिली जबकि पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल हो सकी पर बाद में उन्हें सफलता मिली। सन 2000 में हास्य फिल्म हेरा फेरी के अभिनय किया गया जो हर लिहाज से सफल रही और इस फिल्म में उनके अपने अपनों का एक एक्शन और रोमांटिक भूमिका की तरह एक सफल हास्य रोल भी अच्छी तरह से निभाया। उन्होंने रोमांटिक फिल्म धड़कन में भी काम किया और बाद में उसी साल उन्हें काफ़ी सफलता मिली। सन 2001 फिल्म अजनबी में कुमार एक नकारात्मक किरदार निभाया जिसमें उनकी काफ़ी सराहा गया और बेस्ट विलेन के लिए उनका फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। हेराफेरी की सफलता के बाद अक्षय कुमार ने एक हास्य फिल्मों में काम किया जिनमें शामिल हैं आवारा पागल दीवाना, मुझसे शादी करोगी और गरम मसाला। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही और उनके अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का 2वां फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। अपनी एक्शन हास्य और रोमांटिक भूमिका के अलावा कुमार ने ड्रामाई एंड हास्य फिल्म फेयर के बखूबी निभाए जैसे कि ये रिश्ता, आंखें, बेवफा और वक्त। 2006 में वे हेरा फेरी टाइटल से बनी दूसरी फिल्म फिर हेरा फेरी के अभिनय किया जिससे पिछली फिल्म की तरह इस सफल बॉक्स ऑफिस में सफल हुई। बाद में उसी वर्ष सलमान खान ने के साथ रोमांटिक संगीत फिल्म जाने मन के अभिनय किया गया। इसी फिल्म का बेसब्री से इंतजार था और आलोचना
से अच्छा रिव्यू मिलने के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। फिल्म तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी, परंतु एक शर्मिले और प्यारे व्यक्ति के रूप में उनकी तारीफ की गई। वे इस वर्ष हास्य फिल्म भागम भाग से समाप्त की और सफल रहे, और उसी साल गर्म सन 2006 के विनम्र किया गया कि सैफ अली खान, प्रीति जिंटा, सुष्मिता सेन और सैलीना जेटनी साथ थे। वर्ष सन 2007 तक से कुमार के लिए उनके कैरियर के इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा सफल रहा और बॉक्स ऑफिस के विश्लेषणों में शायद ही कभी नाते के लिए चार सीधे ही तोर बिना किसी फ्लोप में शानदार प्रदर्शन रहा। उनकी पहली फिल्म नमस्ते लंदन आलोचनात्मक दृष्टि व कॉमर्शियल दृष्टि से सफल रही। आलोचना तंद आदर्श ने फिल्म में उनके प्रदर्शन के बारे में लिखा कि वह निश्चित रूप से फिल्म देखने लाखों दर्शकों के मन अपनी इस फिल्म के जरिए ले लेंगे। उनकी दो अगली फिल्म हे बेबी और भूल भुलैया दोनों बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। वर्ष का कुमार के लिए आखिरी रिलीज वेलकम थी, जिसके बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। ब्लॉकबस्टर का अवसर मिलाता था, साथ में वे पांचवी लगातार हिट फिल्म देने लगे और हीरो बन गए। उस वर्ष कुमार की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई वह विदेशी बाजार में भी अच्छा किया। अक्षय कुमार डेयर टू डॉन्स की एंकर और संरक्षण की भूमिका निभाएंगे। रियलिटी शो लाइक ओके का प्रदर्शित होगा। निजी जीवन, इनका जरा अमृतसर पंजाब भारत के हरिओम भाटिया और अरुणा भाटिया के घर एक पंजाबी परिवार में हुआ था। बॉलीवुड में रहने के दौरान कुमार का नाम उसके साथ काम करने वाली कई अभिनेत्री के साथ जोड़ा गया, जैसे रवीना टंडन, रेखा और शिल्पा शेट्टी, जानी माने कलाकार राजेश खन्ना, डिम्पल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना से दो बार सगाई होने के बाद अंत में उनकी 14 जनवरी सन 2001 में शादी कर ली। उनके बेटे का नाम आरव है, जिसके 15 सितंबर सन 2002 में जन्म लिया। वर्ष सन 2007 में मुंबई के एक जाने माने टैबलॉइड समाचार पत्र में एक खबर छपी कि उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई है और वे घर से बाहर निकल गए हैं। वे एक होटल में रह रहे हैं। बीच में खबर यह भी आई थी कि अफेयर के चलते ट्विंकल खन्ना ने उनको थप्पड़ भी मारा था, पर बाद में अक्षय कुमार ने खुद इस खबरों का खंडन किया। 26 जुलाई को सन 2007 को पति पत्नी ने टैबलॉइड की एक नामूनी नोटिस भेजा, जिसमें बताया गया कि वह अफवाह झूठी थी। कुमार ने कहा, नागरिकता सन 2011 में कैनेडाई संघीय चुनाव के दौरान या उसके बाद कुछ समय बाद वहाँ की कंजर्वेटिव सरकार ने एक अल्पज्ञात कानून लागू करके कहा कि कनाडा की नागरिकता प्रदान की जो कनाडा के अप्रवासियों के लिए सामान्य निवास आवश्यकता की दरकिनार करने की अनुमति देता है। कंजर्वेटिव पार्टी के पूर्व मंत्री टोनी क्लाइमेट्स के अनुसार कुमार को कनाडा भारतीय संबंधों का आगे बढ़ाने के लिए उपयोग के लिए स्टार पावर और कनाडा के व्यापार संबंधों, व्यावसायिक संबंधों, फिल्म क्षेत्र में डालने की पेशकश के बदले नागरिकता प्रदान की गई थी। पर्यटन क्षेत्र में हालांकि कुमार इससे पहले एक बड़े इंडो कैनेडियन आबादी वाले शहर एंडोटेरियो और ब्रेप टाउन में कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री स्टीफन हॉपर्स के लिए एक अभिमान कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे और हॉपर्स की प्रशंसा की थी। क्लेमेट्स के इस बात से इनकार किया कि नागरिकता पक्षपातपूर्ण समर्थन का पुरस्कार थी। कुमार ने विंडसर विश्वविद्यालय की डायरेक्टर और मानद उपाधि प्राप्त की थी और अर्थशास्त्री के लगभग 2010 में एक साक्षात्कार में दावा किया कि उसके पास दोहरी नागरिकता है। वह कनाडा के ओलंपिक मशाल वाहक रैली के आमंत्रित सन 2015 अंतर्राष्ट्रीय हादसों में से एक थे। दिसंबर सन 2019 में कुमार ने कहा कि उसकी भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन किया और अपनी कनाडाई नागरिकता छोड़ने की योजना बना रही हैं। इन्हें भी देखिए, अक्षय कुमार को प्राप्त पुरस्कार और नामांकनों की सूची, अक्षय कुमार की फिल्मोग्राफी, भारतीय फिल्म अभिनेताओं की सूची, संदर्भ अक्षय कुमार सीज द चिल्ड्रन चलवेशन और वेरी एप्टिवेशंस, अदिति राव हैदरी या लेख के आधारक जानकारी जोर से बढ़ाने के लिए मदद करें। अदिति राव हैदरी एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जिसका जन्म हैदराबाद तेलंगाना में 1973 में हुआ था। ये शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के निपुण हैं। इन्होंने कई फिल्मों में कार्य किया। सन 2017 की फिल्म वजीर वंडर टू पाक्षात, अंतरिक्ष 9000 किलोमीटर पर आवार। अदिति राव हैदरी का नाम हैदराबाद के 28
अक्टूबर को हुआ था। ऐशान हेदरी और उनकी पत्नी विद्या राव एक पक्षीय शास्त्रीय नागरिक संगीत के ठुमरी और दादरा शैलियों के लिए लोकप्रिय हैं। उसके पिता जो सन 2013 में मारे गए थे बोहरी मुस्लिम थे, जबकि उसकी माँ जो जन्म से हिंदू और व्यावसायिक बोध और मंगलोर में चित्रापू शाश्वत है जो आधे तेलुगु। इस प्रकार हेदरी अर्थ हैदराबादी और अर्थ कोंकण विरासत है। हेदरी दो शाही वंशों से संबंधित है, मोहम्मद शाले अकबर हेदरी और विनापार्ती परिवार के पूर्व राजा जे जे रामेश्वर। वह अकबर हेदरी हैदराबाद राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री ऑप्शन विशेष भारत और असम के पूर्व गवर्नर मोहम्मद शालेकर अकबर हेदरी के भव्य भतीजी के महान पोती हैं। अदिति के दादा दादी राजा जे राजेश्वर राव हैं जिनके अपोक्सीनेशन भारत के दौरान वनापार्थी राज्य के प्रशासक हैं। मामाज मोजूफ मचाई भारत मूल के 15 जुलाई 2018 को पुरालिखित अभिगमन तिथि 2 जुलाई 2018 डेलीगल समरीजी। अदिति अनित राव एक भारतीय अभिनेता है जो भारतीय टेलीविजन और भारतीय फिल्म उद्योग के लिए अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। राय को छोटे पर्दे का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है। जन्म रनित रॉय 11 अक्टूबर 1965 आयु 56 वर्ष नागपुर महाराष्ट्र भारत आवास मुंबई महाराष्ट्र भारत व्यवसाय अभिनेता व्यवसायी कार्यकाल 1984 वर्तमान ऊंचाई 5 फुट 8 इंच 1.73 मीटर जीवन साथी नीलम सिंह सन 2003 वर्तमान बच्चे दिन संबंधी रोहित रॉय भाई एक व्यवसाय ब्रेटिन बोस रॉय की डोली रॉय से अधिक बड़े हैं। उनके छोटे भाई रोनित रॉय भी एक टीवी अभिनेता है। रोनित रॉय ने अपना बचपन अहमदाबाद गुजरात में बिताया है। मिथुन चक्रवर्ती बचपन का नाम गुरांग चक्रवर्ती साजन 16 जून 1950 को हुआ तो ये भारत के एक फिल्म अभिनेता सामाजिक कार्यकर्ता उद्यमी और राज्यसभा के सदस्य हैं। मिथुन ने अपने अभिनय की शुरुआत कला फिल्म रज्ञा से की है जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 1980 के दशक में उनके सुनहरे दौर में एक डॉसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को बहुत बड़ा उनके साथ प्रशंसक मिले और खुद को उन्होंने भारत में सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्म में डिस्को डांसर एंड में स्टार डांसर जिमी की भूमिका में लोकप्रिय बनाया और 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा लोकप्रिय कलाकार थे। बोस एंथनी डिसूजो द्वारा निर्मित बॉलीवुड की एक एक्शन मसाला फिल्म है जो फिल्म का निर्माण कैप गुड फिल्म और अश्विन वर्दी प्रोडक्शंस ने किया और अक्षय कुमार विधुन चक्रवर्ती से पंडित अदिति राव हयाद्री और रनित रॉय अभिनीत है। यह स्पष्ट रूप से मलयाली फिल्म पोकरू राजा का पुनर्निर्माण है जिसमें मामूटी पृथ्वीराज सुकारम और श्रिया सरन से ने अभिनय किया है। बोस निर्देशक हैं एंथनी डिसूजा निर्माता अश्विन वर्दी कहानी फरहाद साजिद पटकथा और संवाद भी आधारित पोकरी राजा अभिनेता अक्षय कुमार मितिन चक्रवर्ती अदिति राव हयाद्री शिव पंडित रनित रॉय संगीतकार हैं बीन ब्रोस अनंजाम चिरंतन भट्ट पी ए दीपक योयो हनी सिंह वितरक हैं वायको मीटिंग प्रदर्शन तिथि 16 अक्टूबर 2030 समय सीमा 143 मिनट्स भाषा हिंदी। बोस फिल्म का ट्रेलर अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के साथ 14 अप्रैल 2013 को जारी किया गया जो एक दिन बाद जारी की गई है। फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर 27 अगस्त 2013 को जारी किया गया और यह फिल्म 16 अक्टूबर 2013 को जारी की गई है। कथानाक है एक ईमानदार स्कूल प्रिंसिपल सत्यकांत शास्त्री मिथुन चक्रवर्ती के दो बेटे सूर्य और एक शिव पंडित हैं। सूर्य बचपन से ही बेहद गुस्सेल स्वभाव का है जो अपने पिता या परिवार के खिलाफ कुछ भी सुनता बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब वो छोटा था तभी अपने एक साथी की हत्या इसीलिए की थी क्योंकि वो उसके पिता का मजाक उड़ाता है। इसी कारण सत्यकांत भी उसे जाने को कह देते हैं परंतु उससे ये व्यापारी अपने पास रख लेता और कुछ सालों बाद सूर्य खुद को बोस में बदल देता है और समाज के अवांछित तत्वों के खिलाफ लड़ता है। इसके कलाकार अक्षय कुमार बोस मिथुन चक्रवर्ती सत्यकांत शास्त्री शिव पंडित शिव रनित रॉय आयुष्मान ठाकुर अदिति राव हयाद्री अंकिता जोनी लीवर जोरावर
डिनी डेंसोंग अपना संजय मिश्रा मुकेश तिवारी परीक्षित सहानी सोनाक्षी सिन्हा कोमियो अभिनय में प्रभुदेवा हमने छोड़े थोड़े गाने में विशेष उपस्थिति हनी सिंह पार्टी ऑल नाइट गाने में विशेष उपस्थिति अक्षय कुमार पंजाबी राजीव हरी ओम भाटिया 9 सितंबर 1967 को भारत में जन्मे देशी कृतिम कैनेडाई बॉलीवुड फिल्म अभिनेता है जो 145 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। जन्म अमृतसर पंजाब भारत राष्ट्रीयता कैनेडा नागरिकता 2011 तक भारत निवासी के बाद कैनेडा व्यवसाय फिल्म अभिनेता कार्यकाल 1991 वर्तमान ऊंचाई 5 फीट 11 इंच जीवन साथी ट्विंकल खन्ना सन 2001 वर्तमान पुरस्कार श्रेष्ठ खलनायक 2019 सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता 90 के दशक में ही टैक्सन फिल्मों जैसे खिलाड़ी 1992 मोहरा सबसे बड़ा खिलाड़ी में अभिनय करने के बाद कारण कुमार को बॉलीवुड का एक्शन हीरो की संज्ञा दी जाती है और विशेषतः वे खिलाड़ी संकला के लिए जाने जाते हैं। फिर भी वह रोमांटिक फिल्मों जैसे ये दिल लगी और धड़कन में अपने अभिनय के लिए सम्मानित किए गए हैं और साथ ही साथ ड्रामेटिक फिल्मों जैसे एक रिश्ता में अपना अभिनय क्षमता को दिखाया। सन 2002 में उन्होंने अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खलनायक फिल्म अजनबी में अभिनय के लिए दिया गया। अपनी एक ही छवि को बदलने के इच्छुक अक्षय कुमार से ज़्यादातर कॉमेडी फिल्मों की फिल्म हेरा फेरी मुझसे शादी करोगी गरम मसाला और जाने मन में हास्य अभिनय के लिए फिल्म समीक्षकों द्वारा उनकी प्रशंसा की गई है। सन 2007 में भी सफलता की ऊंचाई कुछ होने लगी जब उनके द्वारा अभिनीत 4 लगातार कर्मशाली फिल्में हिट हुई। इस तरह से उन्होंने अपने आपको हिंदी फिल्म उद्योग में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में उपस्थिति किया। वे मार्शल आर्ट सामरिक कला की शिक्षा बैंकॉक से प्राप्त करके आए और वहां पर उन्होंने रसोईया की नौकरी भी करते थे। फिर मुंबई वापस आ गए जहां वे मार्शल आर्ट की शिक्षा देने लगे। उनका एक विद्यार्थी जो एक फोटोग्राफर था उसने उनको मॉडलिंग करने को कहा। उस विद्यार्थी ने उन्हें एक छोटी कंपनी में एक मॉडलिंग असाइनमेंट दिया उन्हें कैमरे के सामने पोज देने के लिए 2 घंटे के 5,000 रुपये दिए जाते थे। पहले ही तनख्वाह 4,000 रुपये प्रति महीने की तुलना में एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि वे क्यों मॉडल बने। मॉडलिंग करने के 2 महीने बाद कुमार को प्रमोद चक्रवर्ती के अंततः अपनी फिल्म दीदार में अभिनय करने का मौका दिया गया। अक्षय कुमार बॉलीवुड के अभिनय की शुरुआत 1991 की फिल्म सौगंध से की जो सराही नहीं गई। उनकी पहली फिल्म प्रमुख हिट 1992 की थ्रिलर फिल्म खिलाड़ी थी। 1993 का वर्ष उनके लिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि उनकी अधिकतर फिल्में फ्लॉप हो गई। फिर भी 1994 का वर्ष कुमार के लिए बेहतरीन वर्ष रहा जिसमें खिलाड़ी के साथ मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और मोहरा जो साल का सर्वाधिक सफल फिल्मों में था। बाद में यश चोपड़ा ने उन्हें रोमांटिक फिल्म ये दिल लगी में लिया गया जो एक सफल फिल्म थी। उन्हें उन फिल्म के लिए सराहना मिली जिससे वह रोमांटिक किरदार में थे और बहुत ही अलग था। उनके एक्शन किरदार में उन्हें फिल्म फेयर और स्टार स्क्रीन उत्सवों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला नॉमिनेशंस मिला। ये सारी उपलब्धियां संजय को उस साल का सफलता अभिनेता बना दिया। 1995 में उनकी फिल्म सफल फिल्मों के 7वें खिलाड़ी श्रेणी की 3री फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी में अभिनय किया गया जो एक हिट फिल्म थी। वे खिलाड़ी श्रेणी की सभी फिल्मों में सफल रहे और उन्हें फिर बाद में वर्ष के खिलाड़ी टाइटल के बाद फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी के अभिनय किया जिसमें उनके साथ रेखा और रवीना टंडन थी। यह फिल्म उस साल का सर्वाधिक सफल फिल्म रही। 1997 में यश चोपड़ा की हिट फिल्म दिल तो पागल है में मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई जिसमें से उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकन किया गया। उसी साल वे खिलाड़ी श्रेणी के 5वीं फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी की हास्य भूमिका में नजर आए। खिलाड़ी टाइटल के साथ उनकी पिछली फिल्मों की तरह यह फिल्म हिट हुई और इसी तरह से वह फिल्म की तरह उनका अगला खिलाड़ी नाम भी रिलीज सारी फिल्मों में आने लगा और बॉक्स ऑफिस तक हिट होते चला गया। 1999 की फिल्म संघर्ष और जानवर में उनके किरदार के लिए अच्छी सराहना मिली जबकि पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल हो सकी पर बाद में उन्हें सफलता मिली।
सन 2000 में हास्य फिल्म हेरा फेरी के अभिनय किया गया, जो हर लिहाज से सफल रही और इस फिल्म में उनके अपने अपनों का एक एक्शन और रोमांटिक भूमिका की तरह एक सफल हास्य रोल भी अच्छी तरह से निभाया। उन्होंने रोमांटिक फिल्म धड़कन में भी काम किया और बाद में उसी साल उन्हें काफ़ी सफलता मिली। सन 2001 फिल्म अजनबी में कुमार एक नकारात्मक किरदार निभाया, जिसमें उनकी काफ़ी सराहा गया और बेस्ट विलेन के लिए उनका फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। हेरा फेरी की सफलता के बाद अक्षय कुमार ने एक हास्य फिल्मों में काम किया, जिनमें शामिल हैं आवारा पागल दीवाना, मुझसे शादी करोगी और गरम मसाला। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही और उनके अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। अपनी एक्शन हास्य और रोमांटिक भूमिका के अलावा कुमार ने ड्रामाई एंड हास्य फिल्म फेयर के बखूबी निभाए, जैसे कि ये रिश्ता, आंखें, बेवफा और वक्त। सन 2006 में वे हेरा फेरी टाइटल से बनी दूसरी फिल्म फिर हेरा फेरी के अभिनय किया, जिससे पिछली फिल्म की तरह इस सफल बॉक्स ऑफिस में सफल हुई। बाद में उसी वर्ष सलमान खान ने के साथ रोमांटिक संगीत फिल्म जाने मन के अभिनय किया गया। इसी फिल्म का बेसब्री से इंतजार था और आलोचना से अच्छा रिव्यू मिलने के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। फिल्म तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी, परंतु एक शर्मिले और प्यारे व्यक्ति के रूप में उनकी तारीफ की गई। वे इस वर्ष हास्य फिल्म भागम भाग से समाप्त की और सफल रही और उसी साल गर्म सन 2006 के विनम्र किया गया कि सैफ अली खान, प्रीति जिंटा, सुष्मिता सेन और सेलिना जेटनी साथ थे। वर्ष सन 2007 अक्षय कुमार के लिए उनके कैरियर के इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा सफल रहा और बॉक्स ऑफिस के विश्लेषणों में शायद एक अभिनेते के लिए चार सीधे ही तोर बिना किसी फ्लोप में शानदार प्रदर्शन रहा। उनकी पहली फिल्म नमस्ते लंदन आलोचनात्मक दृष्टि व कॉमर्शियल दृष्टि से सफल रही। आलोचना तंदादश ने फिल्म में उनके प्रदर्शन के बारे में लिखा कि वह निश्चित रूप से फिल्म देखने लाखों दर्शकों के मन अपनी इस फिल्म के जरिए ले लेंगे। उनकी दो अगली फिल्म हे बेबी और भूल भुलैया दोनों बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। वर्ष का कुमार के लिए आखिरी रिलीज वेलकम थी, जिसके बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, ब्लॉकबस्टर का अवसर मिलाता था। साथ में वे पांचवी लगातार हिट फिल्म देने लगे और हीरो बन गए। उस वर्ष कुमार की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई वह विदेशी बाजार में भी अच्छा किया। अक्षय कुमार डेयर टू डॉन्स की एंकर और संरक्षण की भूमिका निभाएंगे। रियलिटी शो लाइक ओके का प्रदर्शित होगा। निजी जीवन, इनका जरा अमृतसर पंजाब भारत के हरिओम भाटिया और अरुणा भाटिया के घर एक पंजाबी परिवार में हुआ था। बॉलीवुड में रहने के दौरान कुमार का नाम उसके साथ काम करने वाले कई अभिनेत्री के साथ जोड़ा गया, जैसे रवीना टंडन, रेखा और शिल्पा शेट्टी, जाने माने कलाकार राजेश खन्ना, डिम्पल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना से दो बार सगाई होने के बाद अंत में उनकी 14 जनवरी सन 2001 में शादी कर ली। उनके बेटे का नाम आरव है, जिसके 15 सितंबर सन 2002 में जन्म लिया। वर्ष सन 2007 में मुंबई के एक जाने माने टैबलोइड समाचार पत्र में एक खबर छपी कि उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई है और वे घर से बाहर निकल गए हैं। वे एक होटल में रह रहे हैं। बीच में खबर यह भी आई थी कि अफेयर के चलते ट्विंकल खन्ना ने उनको थप्पड़ भी मारा था, पर बाद में अक्षय कुमार ने खुद इस खबरों का खंडन किया। 26 जुलाई को सन 2007 को पति पत्नी ने टैबलोइड की एक नामूनी नोटिस भेजा, जिसमें बताया गया कि वह अफवाह झूठी थी, कुमार ने कहा। नागरिकता, सन 2011 में कैनेडाई संघीय चुनाव के दौरान या उसके बाद कुछ समय बाद वहाँ की कंजर्वेटिव सरकार ने एक अल्पज्ञात कानून लागू करके कहा कि कनाडा की नागरिकता प्रदान की, जो कनाडा के अप्रवासियों के लिए सामान्य निवास आवश्यकता की दरकिनार करने की अनुमति देता है। कंजर्वेटिव पार्टी के पूर्व मंत्री टोनी क्लाइमेट्स के अनुसार कुमार को कनाडा भारतीय संबंधों का आगे बढ़ाने के लिए उपयोग के लिए स्टार पावर और कनाडा के व्यापार संबंधों, व्यावसायिक संबंधों, फिल्म क्षेत्र में डालने की पेशकश के बदले नागरिकता प्रदान की गई थी। पर्यटन क्षेत्र में हालांकि कुमार इससे पहले एक बड़े इंडो कैनेडियन आबादी वाले शहर एंडोटेरियो और ब्रेप टाउन में कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री स्टीफन हॉपर्स के लिए एक अभिमान कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे और हॉपर्स की प्रशंसा की थी। क्लेमेट्स के इस बात से इनकार किया कि नागरिकता पक्षपातपूर्ण समर्थन का पुरस्कार थी।
कुमार ने विंडशंस विश्वविद्यालय की डायरेक्टर और मानद उपाधि प्राप्त की थी और अर्थशास्त्री के लगभग 2010 में एक साक्षात्कार में दावा किया कि उसके पास दोहरी नागरिकता है। वह कनाडा के ओलंपिक मशाल वाहक रैली के आमंत्रित 2015 अंतर्राष्ट्रीय हादसों में से एक थे। दिसंबर 2019 में कुमार ने कहा कि उसकी भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन किया और अपनी कनाडाई नागरिकता छोड़ने की योजना बना रही हैं। इन्हें भी देखिए, अक्षय कुमार को प्राप्त पुरस्कार और नामांकनों की सूची, अक्षय कुमार की फिल्मोग्राफी, भारतीय फिल्म अभिनेताओं की सूची, संदर्भ अक्षय कुमार सीरीज ऑफ चिल्ड्रन टेलीविजन और वेरिएप्टिवेशंस, अदिति राव हैदरी या लेख की आधारक जानकारी जोर से बढ़ाने के लिए मदद करें। अदिति राव हैदरी एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जिसका जन्म हैदराबाद तेलंगाना में 28 अक्टूबर 1973 में हुआ था। ये शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के निपुण हैं। इन्होंने कई फिल्मों में कार्य किया। 2017 की फिल्म वजीर वंडर 2 पाक्षात अंतरिक्ष 9000 किलोमीटर पर आवाज। अदिति राव हैदरी का नाम हैदराबाद के 28 अक्टूबर को हुआ था। ऐशान हैदरी और उनकी पत्नी विद्या राव एक पक्षीय शास्त्रीय नागरिक संगीत के ठुमरी और दादरा शैलियों के लिए लोकप्रिय हैं। उसके पिता जो 2013 में मारे गए थे बोहरी मुस्लिम थे, जबकि उसकी मां जो जन्म से हिंदू और व्यावसायिक बौद्ध और मंगलोर में चित्रापू शाश्वत है जो आधे तेलुगु। इस प्रकार हैदरी अर्थ हैदराबादी और अर्थ कोंकण विरासत है। हैदरी दो शाही वंशों से संबंधित है, मोहम्मद शाले अकबर हैदरी और विनापार्थी परिवार के पूर्व राजा जे जे रामेश्वर। वह अकबर हैदरी हैदराबाद राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री, ऑप्शन विशेष भारत और असम के पूर्व गवर्नर मोहम्मद शालेकर। अकबर हैदरी के भव्य भतीजी के महान पोती हैं। अदिति के दादा दादी राजा जे राजेश्वर राव हैं जिनके एपोक्सिनेशन भारत के दौरान वनापार्थी राज्य के प्रशासक हैं। मामाज मौजूफ मचाई भारत मूल के 15 जुलाई 2018 को पुरालिखित अभिगमन तिथि 2 जुलाई 2018 डेलीगल समरीजी। अदिति अनित राव एक भारतीय अभिनेता है जो भारतीय टेलीविजन और भारतीय फिल्म उद्योग के लिए अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। राय को छोटे पर्दे का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है। जन्म रनित रोय 11 अक्टूबर 1965, आयु 56 वर्ष, नागपुर महाराष्ट्र भारत, आवास मुंबई महाराष्ट्र भारत, व्यवसाय अभिनेता व्यवसायी, कार्यकाल 1984, वर्तमान ऊंचाई 5 फुट 8 इंच 1.73 मीटर, जीवन साथी नीलम सिंह 2003, वर्तमान बच्चे दिन संबंधी रोहित रॉय भाई। एक व्यवसाय ब्रेटिन बोस रॉय की डोली रोय से अधिक बड़े हैं। उनके छोटे भाई रोनित रॉय भी एक टीवी अभिनेता है। रोनित रॉय ने अपना बचपन अहमदाबाद गुजरात में बिताया है। मिथुन चक्रवर्ती बचपन का नाम गुरांग चक्रवर्ती, साजन 16 जून 1950 को हुआ तो ये भारत के एक फिल्म अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी और राज्यसभा के सदस्य हैं। मिथुन ने अपने अभिनय की शुरुआत कला फिल्म रज्ञा से की है जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 1980 के दशक में उनके सुनहरे दौर में एक डॉसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को बहुत बड़ा उनके साथ प्रशंसक बने और खुद को उन्होंने भारत में सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्म में डिस्को डांसर एंड में स्टार डांसर जिमी की भूमिका में लोकप्रिय बनाया और 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा लोकप्रिय कलाकार थे। बोस एंथनी डिसूजो द्वारा निर्मित बॉलीवुड की एक एक्शन मसाला फिल्म है जो फिल्म का निर्माण कैप गुड फिल्म और अश्विन वर्दी प्रोडक्शंस ने किया और अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, शिव पंडित, अदिति राव हयाद्री और रनित रॉय अभिनीत है। यह स्पष्ट रूप से मलयाली फिल्म पोकरू राजा का पुनर्निर्माण है जिसमें मामूटी, पृथ्वीराज सुकारम और श्रेया सरन से ने अभिनय किया है। बोस निर्देशक हैं एंथनी डिसूजा, निर्माता अश्विन वर्दी, कहानी फरहाद साजिद, पटकथा और संवाद भी आधारित पोकरी राजा, अभिनेता अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, अदिति राव हयाद्री, शिव पंडित, रनित रॉय। संगीतकार हैं बीन ब्रोस, अनंजाम, चिरंतन भट्ट, पी ए दीपक, योयो हनी सिंह। वितरक हैं
वाइकोमीटिन पिटिशन तिथि 16 अक्टूबर 2030 समय सीमा 143 मिनट्स भाषा हिंदी। बोस फिल्म का ट्रेलर अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के साथ 14 अप्रैल 2013 को जारी किया गया जो एक दिन बाद जारी की गई है। फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर 27 अगस्त 2013 को जारी किया गया और यह फिल्म 16 अक्टूबर 2013 को जारी की गई है। कथानाक है एक ईमानदार स्कूल प्रिंसिपल सत्यकांत शास्त्री, मिथुन चक्रवर्ती के दो बेटे सूर्य और एक शिव पंडित है। सूर्य बचपन से ही बेहद गुस्सेल स्वभाव का है जो अपने पिता या परिवार के खिलाफ कुछ भी सुनता बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब वो छोटा था तभी अपने एक साथी की हत्या इसीलिए की थी क्योंकि वो उसके पिता का मजाक उड़ाता है। इसी कारण सत्यकांत भी उसे तुरंत जाने को कह देते हैं, परंतु उससे ये व्यापारी अपने पास रख लेता और कुछ सालों बाद सूर्य खुद को बोस में बदल देता है और समाज के अवांछित तत्वों के खिलाफ लड़ता है। इसके कलाकार अक्षय कुमार, बोस, मिथुन चक्रवर्ती, सत्यकांत शास्त्री, शिव पंडित, शिव, रणित रॉय, आयुष्मान ठाकुर, अदिति, राव हयाद्री, अंकिता, जोनी लीवर, जोरावर डिनी डेंसोंग, अपना संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी, प्रीक्षित सहानी, सोनाक्षी सिन्हा, कोमियो अभिनयमी, प्रभुदेवा, हमने छोड़े थोड़े गाने में विशेष उपस्थिति, हनी सिंह, पार्टी ऑल नाइट गाने में विशेष उपस्थिति, अक्षय कुमार पंजाबी, राजीव हरि, ओम भाटिया, 9 सितंबर 1967 को भारत में जन्मे देशी कृत कैनेडाई बॉलीवुड फिल्म अभिनेता है जो 145 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। जन्म अमृतसर पंजाब, भारत, राष्ट्रीयता कैनेडा, नागरिकता 2011 तक भारत, निवृत्त इसके बाद कैनेडा, व्यवसाय फिल्म अभिनेता, कार्यकाल 1991, वर्तमान ऊंचाई 5 फीट 11 इंच, जीवन साथी ट्विंकल खन्ना, सन 2001 वर्तमान पुरस्कार श्रेष्ठ खलनायक, 2019 सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता। 90 के दशक में ही टैक्सन फिल्मों जैसे खिलाड़ी, 1992 मोहरा सबसे बड़ा खिलाड़ी में अभिनय करने के बाद कारण कुमार को बॉलीवुड का एक्शन हीरो की संज्ञा दी जाती है और विशेषतः वे खिलाड़ी संकला के लिए जाने जाते हैं। फिर भी वह रोमांटिक फिल्मों जैसे ये दिल लगी और धड़कन में अपने अभिनय के लिए सम्मानित किए गए हैं और साथ ही साथ ड्रामेटिक फिल्मों जैसे एक रिश्ता में अपना अभिनय क्षमता को दिखाया। सन 2002 में उन्होंने अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खलनायक फिल्म अजनबी में अभिनय के लिए दिया गया। अपनी एक ही छवि को बदलने के इच्छुक अक्षय कुमार से ज़्यादातर कॉमेडी फिल्मों की फिल्म हेरा फेरी, मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला और जाने मन में हास्य अभिनय के लिए फिल्म समीक्षकों द्वारा उनकी प्रशंसा की गई है। सन 2007 में भी सफलता की ऊंचाई को छूने लगी जब उनके द्वारा अभिनीत 4 लगातार कर्मशाली फिल्में हिट हुई। इस तरह से उन्होंने अपने आपको हिंदी फिल्म उद्योग में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में उपस्थिति किया। वे मार्शल आर्ट सामरिक कला की शिक्षा बैंकॉक से प्राप्त करके आए और वहां पर उन्होंने रसोईया की नौकरी भी करते थे। फिर वे मुंबई वापस आ गए जहां वे मार्शल आर्ट की शिक्षा देने लगी। उनका एक विद्यार्थी जो एक फोटोग्राफर था उसने उनको मॉडलिंग करने को कहा। उस विद्यार्थी ने उन्हें एक छोटी कंपनी में एक मॉडलिंग असाइनमेंट दिया उन्हें कैमरे के सामने पोज देने के लिए 2 घंटे के 5,000 रुपये दिए जाते थे। पहली ही तनख्वाह 4,000 रुपये प्रति महीने की तुलना में एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि वे क्यों मॉडल बने। मॉडलिंग करने के 2 महीने बाद कुमार को प्रमोद चक्रवर्ती के अंततः अपनी फिल्म दीदार में अभिनय करने का मौका दिया गया। अक्षय कुमार बॉलीवुड के अभिनय की शुरुआत 1991 की फिल्म सौगंध से की जो सराही नहीं गई। उनकी पहली फिल्म प्रमुख किट 1992 की थ्रिलर फिल्म खिलाड़ी थी। 1993 का वर्ष उनके लिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि उनकी अधिकतर फिल्में फ्लॉप हो गई। फिर भी 1994 का वर्ष कुमार के लिए बेहतरीन वर्ष रहा जिसमें खिलाड़ी के साथ मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी और मोहरा जो साल का सर्वाधिक सफल फिल्मों में था। बाद में यश चोपड़ा ने उन्हें रोमांटिक फिल्म ये दिल लगी में लिया गया जो एक सफल फिल्म थी। उन्हें उन
फिल्म के लिए सराहना मिली, जिसमें वह रोमांटिक किरदार में थे और बहुत ही अलग था। उनके एक्शन किरदार में उन्हें फिल्म फेयर और स्टार स्क्रीन उत्सवों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला नॉमिनेशन मिला। ये सारी उपलब्धियां संजय को उस साल का सफलता अभिनेता बना दिया। 1995 में उनकी फिल्म सफल फिल्मों के सातवें खिलाड़ी श्रेणी की तीसरी फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी में अभिनय किया गया, जो एक हिट फिल्म थी। वे खिलाड़ी श्रेणी की सभी फिल्मों में सफल रहे और उन्हें फिर बाद में वर्ष के खिलाड़ी टाइटल के बाद फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी के अभिनय किया, जिसमें उनके साथ रेखा और रवीना टंडन थी। यह फिल्म उस साल का सर्वाधिक सफल फिल्म रही। 1997 में यश चोपड़ा की हिट फिल्म दिल तो पागल है में मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई, जिसमें से उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकन किया गया। उसी साल वे खिलाड़ी श्रेणी की पांचवी फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी की हास्य भूमिका में नजर आए। खिलाड़ी टाइटल के साथ उनकी पिछली फिल्मों की तरह यह फिल्म हिट हुई और इसी तरह से वह फिल्म की तरह उनका अगला खिलाड़ी नाम भी रिलीज सारी फिल्मों में आने लगा और बॉक्स ऑफिस तक हिट होते चला गया। 1999 की फिल्म संघर्ष और जानवर में उनके किरदार के लिए अच्छी सराहना मिली, जबकि पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल हो सकी पर बाद में उन्हें सफलता मिली। सन 2000 में हास्य फिल्म हेरा फेरी के अभिनय किया गया, जो हर लिहाज से सफल रही और इस फिल्म में उनके अपने अपनों का एक एक्शन और रोमांटिक भूमिका की तरह एक सफल हास्य रोल भी अच्छी तरह से निभाया। उन्होंने रोमांटिक फिल्म धड़कन में भी काम किया और बाद में उसी साल उन्हें काफ़ी सफलता मिली। सन 2001 फिल्म अजनबी में कुमार एक नकारात्मक किरदार निभाया, जिसमें उनकी काफ़ी सराहा गया और बेस्ट विलेन के लिए उनका फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। हेरा फेरी की सफलता के बाद अक्षय कुमार ने एक हास्य फिल्मों में काम किया, जिनमें शामिल हैं आवारा पागल दीवाना, मुझसे शादी करोगी और गरम मसाला। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही और उनके अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। अपनी एक्शन हास्य और रोमांटिक भूमिका के अलावा कुमार ने ड्रामाई एंड हास्य फिल्म फेयर के बखूबी निभाए, जैसे कि ये रिश्ता, आंखें, बेवफा और वक्त। 2006 में वे हेरा फेरी टाइटल से बनी दूसरी फिल्म फिर हेरा फेरी के अभिनय किया, जिससे पिछली फिल्म की तरह इस सफल बॉक्स ऑफिस में सफल हुई। बाद में उसी वर्ष सलमान खान ने के साथ रोमांटिक संगीत फिल्म जाने मन के अभिनय किया गया। इसी फिल्म का बेसब्री से इंतजार था और आलोचना से अच्छा रिव्यू मिलने के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। फिल्म तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी, परंतु एक शर्मिले और प्यारे व्यक्ति के रूप में उनकी तारीफ की गई। वे इस वर्ष हास्य फिल्म भागम भाग से समाप्त की और सफल रही और उसी साल गर्म सन 2006 के विनम्र किया गया कि सैफ अली खान, प्रीति जिंटा, सुष्मिता सेन और सेलिना जेटनी साथ थे। वर्ष 2007 तक से कुमार के लिए उनके कैरियर के इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा सफल रहा और बॉक्स ऑफिस के विश्लेषणों में शायद ही कभी नाते के लिए चार सीधे ही तूर बिना किसी फ्लोप में शानदार प्रदर्शन रहा। उनकी पहली फिल्म नमस्ते लंदन आलोचनात्मक दृष्टि व कॉमर्शियल दृष्टि से सफल रही। आलोचना तंद आदर्श ने फिल्म में उनके प्रदर्शन के बारे में लिखा कि वह निश्चित रूप से फिल्म देखने लाखों दर्शकों के मन अपनी इस फिल्म के जरिए ले लेंगे। उनकी दो अगली फिल्म हे बेबी और भूल भुलैया दोनों बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। वर्ष का कुमार के लिए आखिरी रिलीज वेलकम थी, जिसके बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, ब्लॉकबस्टर का अवसर मिलाता था। साथ में वे पांचवी लगातार हिट फिल्म देने लगे और हीरो बन गए। उस वर्ष कुमार की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई वह विदेशी बाजार में भी अच्छा किया। अक्षय कुमार डेयर टू डॉन्स की एंकर और संरक्षण की भूमिका निभाएंगे। रियलिटी शो लाइक ओके का प्रदर्शित होगा। निजी जीवन, इनका जरा अमृतसर पंजाब भारत के हरिओम भाटिया और अरुणा भाटिया के घर एक पंजाबी परिवार में हुआ था। बॉलीवुड में रहने के दौरान कुमार का नाम उसके साथ काम करने वाले कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया, जैसे रवीना टंडन, रेखा और शिल्पा शेट्टी, जाने माने कलाकार राजेश खन्ना, डिम्पल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना से दो बार सगाई होने के बाद अंत में उनकी 14 जनवरी सन 2001 में शादी कर ली। उनके बेटे का नाम आरव है, जिसके 15 सितंबर सन 2002 में जन्म लिया। वर्ष सन 2007 में मुंबई के एक जाने माने
टैबलोइड समाचार पत्र में एक खबर छपी कि उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई है और वे घर से बाहर निकल गए हैं। वे एक होटल में रह रहे हैं। बीच में खबर यह भी आई थी कि अफेयर के चलते ट्विंकल खन्ना ने उनको थप्पड़ भी मारा था, पर बाद में अक्षय कुमार ने खुद इस खबरों का खंडन किया। 24 जुलाई को सुंदरजा सात को पति पत्नी ने टैबलोइड की एक नामूनी नोटिस भेजा, जिसमें बताया गया कि वह अफवाह झूठी थी, कुमार ने कहा। नागरिकता सन 2011 में कैनेडाई संघीय चुनाव के दौरान या उसके बाद कुछ समय बाद वहां की कंजर्वेटिव सरकार ने एक अल्पज्ञात कानून लागू करके कहा कि कनाडा की नागरिकता प्रदान की, जो कनाडा के अप्रवासियों के लिए सामान्य निवास आवश्यकता की दरकिनार करने की अनुमति देता है। कंजर्वेटिव पार्टी के पूर्व मंत्री टोनी क्लाइमेट्स के अनुसार कुमार को कनाडा भारतीय संबंधों का आगे बढ़ाने के लिए उपयोग के लिए स्टार पावर और कनाडा के व्यापार संबंधों, व्यावसायिक संबंधों, फिल्म क्षेत्र में डालने की पेशकश के बदले नागरिकता प्रदान की गई थी। पर्यटन क्षेत्र में हालांकि कुमार इससे पहले एक बड़े इंडो कैनेडियन आबादी वाले शहर एंडोटेरियो और ब्रेप टाउन में कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री स्टीफन हॉपर्स के लिए एक अभिमान कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे और हॉपर्स की प्रशंसा की थी। क्लेमेट्स के इस बात से इनकार किया कि नागरिकता पक्षपातपूर्ण समर्थन का पुरस्कार थी। कुमार ने विंडशंस विश्वविद्यालय की डायरेक्टर और मानद उपाधि प्राप्त की थी और अर्थशास्त्री के लगभग 2010 में एक साक्षात्कार में दावा किया कि उसके पास दोहरी नागरिकता है। वह कनाडा के ओलंपिक मशाल वाहक रैली के आमंत्रित सन 2015 अंतर्राष्ट्रीय हादसियों में से एक थे। दिसंबर सन 2019 में कुमार ने कहा कि उसकी भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन किया और अपनी कनाडाई नागरिकता छोड़ने की योजना बना रही हैं। इन्हें भी देखिए, अक्षय कुमार को प्राप्त पुरस्कार और नामांकनों की सूची, अक्षय कुमार की फिल्मोग्राफी, भारतीय फिल्म अभिनेताओं की सूची, संदर्भ अक्षय कुमार सीरीज ऑफ चिल्ड्रन टेलीविजन और वेरिएप्टिविशंस, अदिति राव हैदरी या लेख के आधारक जानकारी जोर से बढ़ाने के लिए मदद करें। अदिति राव हैदरी एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जिसका जन्म हैदराबाद तेलंगाना में 1973 में हुआ था। ये शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के निपुण हैं। इन्होंने कई फिल्मों में कार्य किया। सन 2017 की फिल्म वजीर वंडर 2 पाक्षात अंतरिक्ष 9000 किलोमीटर पर आवार। अदिति राव हैदरी का नाम हैदराबाद के 28 अक्टूबर को हुआ था। ऐशान हैदरी और उनकी पत्नी विद्या राव एक पक्षनीय शास्त्रीय नागरिक संगीत के ठुमरी और दादरा शैलियों के लिए लोकप्रिय हैं। उसके पिता जो सन 2013 में मारे गए थे बोहरी मुस्लिम थे, जबकि उसकी मां जो जन्म से हिंदू और व्यावसायिक बोध और मंगलोर में चित्रापू शाश्वत है जो आधे तेलुगु। इस प्रकार हैदरी अर्थ हैदराबादी और अर्थ कोंकण विरासत है। हैदरी दो शाही वंशों से संबंधित है, मोहम्मद शाले अकबर हैदरी और विनापार्थी परिवार के पूर्व राजा जे रामेश्वर। वह अकबर हैदरी हैदराबाद राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री, ऑप्शन विशेष भारत और असम के पूर्व गवर्नर मोहम्मद शालेकर अकबर हैदरी के भव्य भतीजी के महान पोती हैं। अदिति के दादा दादी राजा जे राजेश्वर राव हैं जिनके अपोक्शनेशन भारत के दौरान वनापार्थी राज्य के प्रशासक हैं। मामाज मौजूफ मचाई भारत मूल के 15 जुलाई 2018 को पुरालिखित अभिगमन तिथि 2 जुलाई 2018 डेलीगल समरीजी। अदिति अनित राव एक भारतीय अभिनेता है जो भारतीय टेलीविज़न और भारतीय फिल्म उद्योग के लिए अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। राय को छोटे पर्दे का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है। जन्म रनित रोय 11 अक्टूबर 1965, आयु 56 वर्ष, नागपुर महाराष्ट्र भारत, आवास मुंबई महाराष्ट्र भारत, व्यवसाय अभिनेता व्यवसायी, कार्यकाल 1984, वर्तमान ऊंचाई 5 फुट 8 इंच 1.73 मीटर, जीवन साथी नीलम सिंह सन 2003, वर्तमान बच्चे दिन संबंधी रोहित रॉय भाई। एक व्यवसाय ब्रेटिन बोस रॉय की डोली रोय से अधिक बड़े हैं। उनके छोटे भाई रोनित रॉय भी एक टीवी अभिनेता है। रोनित रॉय ने अपना बचपन अहमदाबाद गुजरात में बिताया है।
मिथुन चक्रवर्ती, बचपन का नाम गुरांग चक्रवर्ती, शासन 16 जून 1950 को हुआ। तो ये भारत के एक फिल्म अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी और राज्यसभा के सदस्य हैं। मिथुन ने अपने अभिनय की शुरुआत कला फिल्म रग्या से की है, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 1980 के दशक में उनके सुनहरे दौर में एक डॉसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को बहुत बड़ा उनके साथ प्रशंसक बने और खुद को उन्होंने भारत में सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्म में डिस्को डांसर एंड में स्टार डांसर जिमी की भूमिका में लोकप्रिय बनाया और 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा लोकप्रिय कलाकार थे। बोस एंथनी डिसूजा द्वारा निर्मित बॉलीवुड की एक एक्शन मसाला फिल्म है। जो फिल्म का निर्माण कैप गुड फिल्म और अश्विन वर्दी प्रोडक्शंस ने किया और अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, शिव पंडित, अदिति राव हयाद्री और रोहित रॉय अभिनीत है। यह स्पष्ट रूप से मलयाली फिल्म पोकरू राजा का पुनर्निर्माण है, जिसमें मामूटी, पृथ्वीराज सुकाराम और श्रेया सरन से ने अभिनय किया है। बोस निर्देशक हैं एंथनी डिसूजा, निर्माता अश्विन वर्दी, कहानी फरहाद साजिद, पटकथा और संवाद भी आधारित पोकरी राजा, अभिनेता अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, अदिति राव हयाद्री, शिव पंडित, रोहित रॉय। संगीतकार हैं बीन ब्रोस, अनंजाम, चिरंतन भट्ट, पी ए दीपक, योयो हनी सिंह। वितरक हैं वायको मीटिंग प्रदर्शन तिथि 16 अक्टूबर 2030, समय सीमा 143 मिनट्स, भाषा हिंदी। बोस फिल्म का ट्रेलर अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के साथ 14 अप्रैल 2013 को जारी किया गया, जो एक दिन बाद जारी की गई है। फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर 27 अगस्त 2013 को जारी किया गया और यह फिल्म 16 अक्टूबर 2013 को जारी की गई है। कथानाक है एक ईमानदार स्कूल प्रिंसिपल सत्यकांत शास्त्री, मिथुन चक्रवर्ती के दो बेटे सूर्य और एक शिव पंडित है। सूर्य बचपन से ही बेहद गुस्सेल स्वभाव का है, जो अपने पिता या परिवार के खिलाफ कुछ भी सुनता बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब वो छोटा था तभी अपने एक साथी की हत्या इसीलिए की थी क्योंकि वो उसके पिता का मजाक उड़ाता है। इसी कारण सत्यकांत भी उसे तुरंत जाने को कह देते हैं, परंतु उससे ये व्यापारी अपने पास रख लेता और कुछ सालों बाद सूर्य खुद को बोस में बदल देता है और समाज के अवांछित तत्वों के खिलाफ लड़ता है। इसके कलाकार अक्षय कुमार, बोस, मिथुन चक्रवर्ती, सत्यकांत शास्त्री, शिव पंडित, शिव, रणित रोय, आयुष्मान ठाकुर, अदिति राव हयाद्री, अंकिता, जोनी लीवर, जोरावर डिनी डेंसोंग, अपना संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी, प्रीक्षित सहानी, सोनाक्षी सिन्हा, कोमियो अभिनय में प्रभुदेवा, हमने छोड़े थोड़े गाने में विशेष उपस्थिति, हनी सिंह, पार्टी ऑल नाइट गाने में विशेष उपस्थिति, अक्षय कुमार पंजाबी, राजीव हरि, ओम भाटिया, 9 सितंबर 1967 को भारत में जन्मी देशी कृत कैनेडाई बॉलीवुड फिल्म अभिनेता है, जो 145 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। जन्म अमृतसर, पंजाब, भारत, राष्ट्रीयता कैनेडा, नागरिकता 2011 तक भारत, निवासी के बाद कैनेडा, व्यवसाय फिल्म अभिनेता, कार्यकाल 1991, वर्तमान ऊंचाई 5 फीट 11 इंच, जीवन साथी ट्विंकल खन्ना, सन 2001 वर्तमान पुरस्कार श्रेष्ठ खलनायक, 2019 सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता। 90 के दशक में हिट एक्शन फिल्मों जैसे खिलाड़ी, 1992 मोहरा सबसे बड़ा खिलाड़ी में अभिनय करने के बाद कारण कुमार को बॉलीवुड का एक्शन हीरो की संज्ञा दी जाती है और विशेषतः वे खिलाड़ी संकला के लिए जाने जाते हैं। फिर भी वह रोमांटिक फिल्मों जैसे ये दिल लगी और धड़कन में अपने अभिनय के लिए सम्मानित किए गए हैं और साथ ही साथ ड्रामेटिक फिल्मों जैसे एक रिश्ता में अपना अभिनय क्षमता को दिखाया। सन 2002 में उन्होंने अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खलनायक फिल्म अजनबी में अभिनय के लिए दिया गया। अपनी एक ही छवि को बदलने के इच्छुक अक्षय कुमार से ज़्यादातर कॉमेडी फिल्मों की फिल्म हेरा फेरी, मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला और जाने मन में हास्य अभिनय के लिए फिल्म समीक्षकों द्वारा उनकी प्रशंसा की गई है। सन 2007 में भी सफलता की ऊंचाई
को छूने लगे जब उनके द्वारा अभिनीत चार लगातार कर्मशाली फिल्में हिट हुई। इस तरह से उन्होंने अपने आप को हिंदी फिल्म उद्योग में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में उपस्थिति किया। वे मार्शल आर्ट सामरिक कला की शिक्षा बैंकॉक से प्राप्त करके आए और वहां पर उन्होंने रसोईया की नौकरी भी करते थे। फिर वे मुंबई वापस आ गए जहां वे मार्शल आर्ट की शिक्षा देने लगे। उनका एक विद्यार्थी जो एक फोटोग्राफर था उसने उनको मॉडलिंग करने को कहा। उस विद्यार्थी ने उन्हें एक छोटी कंपनी में एक मॉडलिंग असाइनमेंट दिया उन्हें कैमरे के सामने पोज देने के लिए 2 घंटे के 5,000 रुपये दिए जाते थे। पहली ही तनख्वाह 4,000 रुपये प्रति महीने की तुलना में एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि वे क्यों मॉडल बने। मॉडलिंग करने के 2 महीने बाद कुमार को प्रमोद चक्रवर्ती के अंततः अपनी फिल्म दीदार में अभिनय करने का मौका दिया गया। अक्षय कुमार बॉलीवुड के अभिनय की शुरुआत 1991 की फिल्म सौगंध से की जो सराही नहीं गई। उनकी पहली फिल्म प्रमुख हिट 1992 की थ्रिलर फिल्म खिलाड़ी थी। 1993 का वर्ष उनके लिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि उनकी अधिकतर फिल्में फ्लॉप हो गई। फिर भी 1994 का वर्ष कुमार के लिए बेहतरीन वर्ष रहा जिसमें खिलाड़ी के साथ मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और मोहरा जो साल का सर्वाधिक सफल फिल्मों में था। बाद में यश चोपड़ा ने उन्हें रोमांटिक फिल्म ये दिल लगी में लिया गया जो एक सफल फिल्म थी। उन्हें उन फिल्म के लिए सराहना मिली जिसमें वह रोमांटिक किरदार में थे और बहुत ही अलग था। उनके एक्शन किरदार में उन्हें फिल्म फेयर और स्टार स्क्रीन उत्सवों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला नॉमिनेशन मिला। ये सारी उपलब्धियां संजय को उस साल का सफलता अभिनेता बना दिया। 1995 में उनकी फिल्म सफल फिल्मों के 7वें खिलाड़ी श्रेणी की 3री फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी में अभिनय किया गया जो एक हिट फिल्म थी। वे खिलाड़ी श्रेणी की सभी फिल्मों में सफल रहे और उन्हें फिर बाद में वर्ष के खिलाड़ी टाइटल के बाद फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी के अभिनय किया जिसमें उनके साथ रेखा और रवीना टंडन थी। यह फिल्म उस साल का सर्वाधिक सफल फिल्म रही। 1997 में यश चोपड़ा की हिट फिल्म दिल तो पागल है में मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई जिसमें से उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकन किया गया। उसी साल वे खिलाड़ी श्रेणी की 5वीं फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी की हास्य भूमिका में नजर आए। खिलाड़ी टाइटल के साथ उनकी पिछली फिल्मों की तरह यह फिल्म हिट हुई और इसी तरह से वह फिल्म की तरह उनका अगला खिलाड़ी नाम भी रिलीज सारी फिल्मों में आने लगा और बॉक्स ऑफिस तक हिट होते चला गया। 1999 की फिल्म संघर्ष और जानवर में उनके किरदार के लिए अच्छी सराहना मिली जबकि पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल हो सकी पर बाद में उन्हें सफलता मिली। सन 2000 में हास्य फिल्म हेरा फेरी के अभिनय किया गया जो हर लिहाज से सफल रही और इस फिल्म में उनके अपने अपनों का एक एक्शन और रोमांटिक भूमिका की तरह एक सफल हास्य रोल भी अच्छी तरह से निभाया। उन्होंने रोमांटिक फिल्म धड़कन में भी काम किया और बाद में उसी साल उन्हें काफ़ी सफलता मिली। सन 2001 फिल्म अजनबी में कुमार एक नकारात्मक किरदार निभाया जिसमें उनकी काफ़ी सराहा गया और बेस्ट विलेन के लिए उनका फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। हेरा फेरी की सफलता के बाद अक्षय कुमार ने एक हास्य फिल्मों में काम किया जिनमें शामिल हैं आवारा पागल दीवाना मुझसे शादी करोगी और गरम मसाला। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही और उनके अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का 2रा फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। अपनी एक्शन हास्य और रोमांटिक भूमिका के अलावा कुमार ने ड्रामाई एंड हास्य फिल्म फेयर के बखूबी निभाए जैसे कि ये रिश्ता आंखें बेवफा और वक्त। 2006 में वे हेरा फेरी टाइटल से बनी 2री फिल्म फिर हेरा फेरी के अभिनय किया जिससे पिछली फिल्म की तरह इस सफल बॉक्स ऑफिस में सफल हुई। बाद में उसी वर्ष सलमान खान ने के साथ रोमांटिक संगीत फिल्म जाने मन के अभिनय किया गया। इसी फिल्म का बेसब्री से इंतजार था और आलोचना से अच्छा रिव्यू मिलने के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। फिल्म तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी परंतु एक शर्मिले और प्यारे व्यक्ति के रूप में उनकी तारीफ की गई। वे इस वर्ष हास्य फिल्म भागम भाग से समाप्त की और सफल रही और उसी साल गर्म सन 2006 के विनम्र किया गया कि सैफ अली खान प्रीति जिंटा सुष्मिता सेन सेलिना जेटनी साथ थे।
वर्ष 2007 अक्षय कुमार के लिए उनके कैरियर के इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा सफल रहा और बॉक्स ऑफिस के विश्लेषणों में शायद ही कभी नाते के लिए चार सीधे ही तोड़ बिना किसी फ्लोप में शानदार प्रदर्शन रहा। उनकी पहली फिल्म नमस्ते लंदन आलोचनात्मक दृष्टि व कॉमर्शियल दृष्टि से सफल रही। आलोचना तंद आदर्श ने फिल्म में उनके प्रदर्शन के बारे में लिखा कि वह निश्चित रूप से फिल्म देखने लाखों दर्शकों के मन अपनी इस फिल्म के जरिए ले लेंगे। उनकी दो अगली फिल्म हे बेबी और भूल भुलैया दोनों बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। वर्ष का कुमार के लिए आखिरी रिलीज वेलकम थी, जिसके बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया ब्लॉकबस्टर का अवसर मिलाता था। साथ में वे पांचवी लगातार हिट फिल्म देने लगे और हीरो बन गए। उस वर्ष कुमार की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई वह विदेशी बाजार में भी अच्छा किया। अक्षय कुमार डेयर टू डॉन्स की एंकर और संरक्षण की भूमिका निभाएंगे। रियलिटी शो लाइक ओके का प्रदर्शित होगा। निजी जीवन, इनका जरा अमृतसर पंजाब भारत के हरिओम भाटिया और अरुणा भाटिया के घर एक पंजाबी परिवार में हुआ था। बॉलीवुड में रहने के दौरान कुमार का नाम उसके साथ काम करने वाले कई अभिनेत्री के साथ जोड़ा गया, जिससे रवीना टंडन, रेखा और शिल्पा शेट्टी, जानी माने कलाकार राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना से दो बार सगाई होने के बाद अंत में उनकी 14 जनवरी 2001 में शादी कर ली। उनके बेटे का नाम आरव है, जिसके 15 सितंबर 2002 में जन्म लिया। वर्ष 2007 में मुंबई के एक जाने माने टैब्लॉइड समाचार पत्र में एक खबर छपी कि उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई है और वे घर से बाहर निकल गए हैं। वे एक होटल में रह रहे हैं। बीच में खबर यह भी आई थी कि अफेयर के चलते ट्विंकल खन्ना ने उनको थप्पड़ भी मारा था, पर बाद में अक्षय कुमार ने खुद इस खबरों का खंडन किया। 26 जुलाई को 2007 को पति पत्नी ने टैब्लॉइड की एक नामूनी नोटिस भेजा, जिसमें बताया गया कि वह अफवाह झूठी थी, कुमार ने कहा। नागरिकता, 2011 में कैनेडाई संघीय चुनाव के दौरान या उसके बाद कुछ समय बाद वहाँ की कंजर्वेटिव सरकार ने एक अल्पज्ञात कानून लागू करके कहा कि कैनेडा की नागरिकता प्रदान की, जो कैनेडा के अप्रवासियों के लिए सामान्य निवास आवश्यकता की दरकिनार करने की अनुमति देता है। कंजर्वेटिव पार्टी के एक पूर्व मंत्री टोनी क्लाइमेट्स के अनुसार कुमार को कनाडा भारतीय संबंधों का आगे बढ़ाने के लिए उपयोग के लिए स्टार पावर और कनाडा के व्यापार संबंधों, व्यावसायिक संबंधों, फिल्म क्षेत्र में डालने की पेशकश के बदले नागरिकता प्रदान की गई थी। पर्यटन क्षेत्र में हालांकि कुमार इससे पहले एक बड़े इंडो कैनेडियन आबादी वाले शहर एंडोटेरियो और ब्रेप टाउन में कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री स्टीफन हॉपर्स के लिए एक अभिमान कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे और हॉपर्स की प्रशंसा की थी। क्लेमेट्स के इस बात से इनकार किया कि नागरिकता पक्षपातपूर्ण समर्थन का पुरस्कार थी। कुमार ने विंडसर विश्वविद्यालय की डायरेक्टर और मानद उपाधि प्राप्त की थी और अर्थशास्त्री के लगभग 2010 में एक साक्षात्कार में दावा किया कि उसके पास दोहरी नागरिकता है। वह कनाडा के ओलंपिक मशाल वाहक रैली के आमंत्रित 2015 अंतर्राष्ट्रीय हादसियों में से एक थे। दिसंबर 2019 में कुमार ने कहा कि उसकी भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन किया और अपनी कनाडाई नागरिकता छोड़ने की योजना बना रही हैं। इन्हें भी देखिए, अक्षय कुमार को प्राप्त पुरस्कार और नामांकनों की सूची, अक्षय कुमार की फिल्मोग्राफी, भारतीय फिल्म अभिनेताओं की सूची, संदर्भ अक्षय कुमार सीरीज ऑफ चिल्ड्रन टेलीविजन और वेरिएप्टिवेशंस, अदिति राव हैदरी या लेख के आधारक जानकारी जोर से बढ़ाने के लिए मदद करें। अदिति राव हैदरी एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जिसका जन्म हैदराबाद तेलंगाना में 1978 में हुआ था। ये शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के निपुण हैं। इन्होंने कई फिल्मों में कार्य किया। 2017 की फिल्म वजीर वंडर टू पाक्षात, अंतरिक्ष 9000 किलोमीटर पर आवार। अदिति राव हैदरी का नाम हैदराबाद के 28 अक्टूबर को हुआ था। ऐशान हैदरी और उनकी पत्नी विद्या राव एक पक्षीय शास्त्रीय नागरिक संगीत के ठुमरी और दादरा शैलियों के लिए लोकप्रिय हैं। उसके पिता जो 2013 में मारे गए थे बोहरी मुस्लिम थे, जबकि उसकी मां जो जन्म से हिंदू और व्यावसायिक बोध और मंगलोर में चित्रापू शाश्वत है जो आधे तेलुगु। इस प्रकार हैदरी अर्थ हैदराबादी और अर्थ कोंकण विरासत है। हैदरी दो शाही वंशों से संबंधित है, मोहम्मद शाले अकबर हैदरी और विनापार्थी परिवार के पूर्व राजा जे रामेश्वर
वह अकबर हैदरी हैदराबाद राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री ऑप्शन वेसेस भारत और असम के पूर्व गवर्नर मोहम्मद शालेकर अकबर हैदरी के भव्य भतीजी के महान पोती हैं। अदिति के दादा दादी राजा जे राजेश्वर राव हैं जिनके एपोक्शनेशंस भारत के दौरान वनापार्थी राज्य के प्रशासक हैं। मामाज मौजूफ मचाई भारत मूल के 15 जुलाई 2018 को पुरालिखित अभिगम तिथि 2 जुलाई 2018 डेलीगल समरीजी अदिति अनित राव एक भारतीय अभिनेता है जो भारतीय टेलीविज़न और भारतीय फिल्म उद्योग के लिए अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। राय को छोटे पर्दे का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है। जन्म रणित रॉय 11 अक्टूबर 1965 आयु 56 वर्ष नागपुर महाराष्ट्र भारत आवास मुंबई महाराष्ट्र भारत व्यवसाय अभिनेता व्यवसायी कार्यकाल 1984 वर्तमान ऊंचाई 5 फुट 8 इंच 1.73 मीटर जीवन साथी नीलम सिंह सन 2003 वर्तमान बच्चे दिन संबंधी रोहित रॉय भाई एक व्यवसाय ब्रेटिन बोस रॉय की डोली रॉय से अधिक बड़े हैं। उनके छोटे भाई रोनित रॉय भी एक टीवी अभिनेता है। रोनित रॉय ने अपना बचपन अहमदाबाद गुजरात में बिताया है। मिथुन चक्रवर्ती बचपन का नाम गौरांग चक्रवर्ती साजन 16 जून 1950 को हुआ तो ये भारत के एक फिल्म अभिनेता सामाजिक कार्यकर्ता उद्यमी और राज्यसभा के सदस्य हैं। मिथुन ने अपने अभिनय की शुरुआत कला फिल्म रग्या से की है जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 1980 के दशक में उनके सुनहरे दौर में एक डॉसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को बहुत बड़ा उनके साथ प्रशंसक बने और खुद को उन्होंने भारत में सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्म में डिस्को डांसर एंड में स्टार डांसर जिमी की भूमिका में लोकप्रिय बनाया और 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा लोकप्रिय कलाकार थे। बोस एंथनी डिसूजो द्वारा निर्मित बॉलीवुड की एक एक्शन मसाला फिल्म है जो फिल्म का निर्माण कैप गुड फिल्म और अश्विन वर्दी प्रोडक्शंस ने किया और अक्षय कुमार विधुन चक्रवर्ती से पंडित अदिति राव हयाद्री और रणित रॉय अभिनीत है। यह स्पष्ट रूप से मलयाली फिल्म पोकरू राजा का पुनर्निर्माण है जिसमें मामूटी पृथ्वीराज सुकारम और श्रेया सरन से ने अभिनय किया है। बोस निर्देशक हैं एंथनी डिसूजा निर्माता अश्विन वर्दी कहानी फरहाद साजिद पटकथा और संवाद भी आधारित पोकरी राजा अभिनेता अक्षय कुमार मिथुन चक्रवर्ती अदिति राव हयाद्री शिव पंडित रणित रॉय संगीतकार हैं बीन ब्रोस अनंजाम चिरंतन भट्ट पी ए दीपक योयो हनी सिंह वितरक हैं वायको मीटिंग प्रदर्शन तिथि 16 अक्टूबर 2030 समय सीमा 143 मिनट्स भाषा हिंदी। बोस फिल्म का ट्रेलर अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के साथ 14 अप्रैल 2013 को जारी किया गया जो एक दिन बाद जारी की गई है। फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर 27 अगस्त 2013 को जारी किया गया और यह फिल्म 16 अक्टूबर 2013 को जारी की गई है। कथानाक है एक ईमानदार स्कूल प्रिंसिपल सत्यकांत शास्त्री मिथुन चक्रवर्ती के दो बेटे सूर्य और एक शिव पंडित है। सूर्य बचपन से ही बेहद गुस्सेल स्वभाव का है जो अपने पिता या परिवार के खिलाफ कुछ भी सुनता बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब वो छोटा था तभी अपने एक साथी की हत्या इसीलिए की थी क्योंकि वो उसके पिता का मजाक उड़ाता है। इसी कारण सत्यकांत भी उसे जाने को कह देते हैं परंतु उससे ये व्यापारी अपने पास रख लेता और कुछ सालों बाद सूर्य खुद को बोस में बदल देता है और समाज के अवांछित तत्वों के खिलाफ लड़ता है। इसके कलाकार अक्षय कुमार बोस मिथुन चक्रवर्ती सत्यकांत शास्त्री शिव पंडित शिव रणित रॉय आयुष्मान ठाकुर अदिति राव हयाद्री अंकिता जोनी लीवर जोरावर डिनी डेंसोंगा अपना संजय मिश्रा मुकेश तिवारी परीक्षित सहानी सोनाक्षी सिन्हा कोमियो अभिनय में प्रभुदेवा हमने छोड़े थोड़े गाने में विशेष उपस्थिति हनी सिंह पार्टी ऑल नाइट गाने में विशेष उपस्थिति अक्षय कुमार पंजाबी राजीव हरि ओम भाटिया 9 सितंबर
1967 को भारत में जन्मी देशी कृतिम कैनेडाई बॉलीवुड फिल्म अभिनेता है जो 145 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। जन्म अमृतसर पंजाब, भारत, राष्ट्रीयता कैनेडा, नागरिकता 2011 तक भारत, निवासी के बाद कैनेडा, व्यवसाय फिल्म अभिनेता, कार्यकाल 1991, वर्तमान ऊंचाई 5 फीट 11 इंच, जीवन साथी ट्विंकल खन्ना सन 2001, वर्तमान पुरस्कार श्रेष्ठ खलनायक 2019, सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता। 90 के दशक में हिट एक्शन फिल्मों जैसे खिलाड़ी, 1992 मोहरा सबसे बड़ा खिलाड़ी में अभिनय करने के बाद कारण कुमार को बॉलीवुड का एक्शन हीरो की संज्ञा दी जाती है और विशेषतः वे खिलाड़ी संकला के लिए जाने जाते हैं। फिर भी वह रोमांटिक फिल्मों जैसे ये दिल लगी और धड़कन में अपने अभिनय के लिए सम्मानित किए गए हैं और साथ ही साथ ड्रामेटिक फिल्मों जैसे एक रिश्ता में अपना अभिनय क्षमता को दिखाया। सन 2002 में उन्होंने अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खलनायक फिल्म अजनबी में अभिनय के लिए दिया गया। अपनी एक ही छवि को बदलने के इच्छुक अक्षय कुमार से ज़्यादातर कॉमेडी फिल्मों की फिल्म हेरा फेरी, मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला और जाने मन में हास्य अभिनय के लिए फिल्म समीक्षकों द्वारा उनकी प्रशंसा की गई है। सन 2007 में भी सफलता की ऊंचाई को छूने लगे जब उनके द्वारा अभिनीत 4 लगातार कर्मशाली फिल्में हिट हुई। इस तरह से उन्होंने अपने आपको हिंदी फिल्म उद्योग में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में उपस्थिति किया। वे मार्शल आर्ट सामरिक कला की शिक्षा बैंकॉक से प्राप्त करके आए और वहां पर उन्होंने रसोईया की नौकरी भी करते थे। फिर वे मुंबई वापस आ गए जहां वे मार्शल आर्ट की शिक्षा देने लगी। उनका एक विद्यार्थी जो एक फोटोग्राफर था उसने उनको मॉडलिंग करने को कहा। उस विद्यार्थी ने उन्हें एक छोटी कंपनी में एक मॉडलिंग असाइनमेंट दिया उन्हें कैमरे के सामने पोज देने के लिए 2 घंटे के 5,000 रुपये दिए जाते थे। पहली ही तनख्वाह 4,000 रुपये प्रति महीने की तुलना में एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि वे क्यों मॉडल बने। मॉडलिंग करने के 2 महीने बाद कुमार को प्रमोद चक्रवर्ती के अंततः अपनी फिल्म दीदार में अभिनय करने का मौका दिया गया। अक्षय कुमार बॉलीवुड के अभिनय की शुरुआत 1991 की फिल्म सौगंध से की जो सराही नहीं गई। उनकी पहली फिल्म प्रमुख हिट 1992 की थ्रिलर फिल्म खिलाड़ी थी। 1993 का वर्ष उनके लिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि उनकी अधिकतर फिल्में फ्लॉप हो गई। फिर भी 1994 का वर्ष कुमार के लिए बेहतरीन वर्ष रहा जिसमें खिलाड़ी के साथ मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी और मोहरा जो साल का सर्वाधिक सफल फिल्मों में था। बाद में यश चोपड़ा ने उन्हें रोमांटिक फिल्म ये दिल लगी में लिया गया जो एक सफल फिल्म थी। उन्हें उन फिल्म के लिए सराहना मिली जिससे वह रोमांटिक किरदार में थे और बहुत ही अलग था। उनके एक्शन किरदार में उन्हें फिल्म फेयर और स्टार स्क्रीन उत्सवों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला नॉमिनेशन मिला। ये सारी उपलब्धियां संजय को उस साल का सफलता अभिनेता बना दिया। 1995 में उनकी फिल्म सफल फिल्मों के 7वें खिलाड़ी श्रेणी की 3री फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी में अभिनय किया गया जो एक हिट फिल्म थी। वे खिलाड़ी श्रेणी की सभी फिल्मों में सफल रहे और उन्हें फिर बाद में वर्ष के खिलाड़ी टाइटल के बाद फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी के अभिनय किया जिसमें उनके साथ रेखा और रवीना टंडन थी। यह फिल्म उस साल का सर्वाधिक सफल फिल्म रही। 1997 में यश चोपड़ा की हिट फिल्म दिल तो पागल है में मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई जिसमें से उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकन किया गया। उसी साल वे खिलाड़ी श्रेणी की 5वीं फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी की हास्य भूमिका में नजर आए। खिलाड़ी टाइटल के साथ उनकी पिछली फिल्मों की तरह यह फिल्म हिट हुई और इसी तरह से वह फिल्म की तरह उनका अगला खिलाड़ी नाम भी रिलीज सारी फिल्मों में आने लगा और बॉक्स ऑफिस तक हिट होते चला गया। 1999 की फिल्म संघर्ष और जानवर में उनके किरदार के लिए अच्छी सराहना मिली जबकि पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल हो सकी पर बाद में उन्हें सफलता मिली। सन 2000 में हास्य फिल्म हेरा फेरी के अभिनय किया गया जो हर लिहाज से सफल रही और इस फिल्म में उनके अपने अपनों का एक एक्शन और रोमांटिक भूमिका की तरह एक सफल हास्य रोल भी अच्छी तरह से निभाया। उन्होंने रोमांटिक फिल्म धड़कन में भी काम किया और बाद में
उसी साल उन्हें काफ़ी सफलता मिली। सन 2001 फिल्म अजनबी में कुमार एक नकारात्मक किरदार निभाया जिसमें उनकी काफ़ी सराहा गया और बेस्ट विलेन के लिए उनका फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। हेराफेरी की सफलता के बाद अक्षय कुमार ने एक हास्य फिल्मों में काम किया जिनमें शामिल हैं आवारा पागल दीवाना, मुझसे शादी करोगे और गरम मसाला। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही और उनके अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। अपनी एक्शन हास्य और रोमांटिक भूमिका के अलावा कुमार ने ड्रामाई एंड हास्य फिल्म फेयर के बखूबी निभाए जैसे कि ये रिश्ता, आंखें, बेवफा और वक्त। सन 2006 में वे हेरा फेरी टाइटल से बनी दूसरी फिल्म फिर हेरा फेरी के अभिनय किया जिससे पिछली फिल्म की तरह इस सफल बॉक्स ऑफिस में सफल हुई। बाद में उसी वर्ष सलमान खान ने के साथ रोमांटिक संगीत फिल्म जाने मन के अभिनय किया गया। इसी फिल्म का बेसब्री से इंतजार था और आलोचना से अच्छा रिव्यू मिलने के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। फिल्म तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी परंतु एक शर्मिले और प्यारे व्यक्ति के रूप में उनकी तारीफ की गई। वे इस वर्ष हास्य फिल्म भागम भाग से समाप्त की और सफल रहे और उसी साल गर्म सन 2006 के विनम्र किया गया कि सैफ अली खान, प्रीति जिंटा, सुष्मिता सेन और सेलिना जेटनी साथ थे। वर्ष सन 2007 अक्षय कुमार के लिए उनके कैरियर के इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा सफल रहा और बॉक्स ऑफिस के विश्लेषणों में शायद ही कभी नाते के लिए चार सीधे ही तोर बिना किसी फ्लोप में शानदार प्रदर्शन रहा। उनकी पहली फिल्म नमस्ते लंदन आलोचनात्मक दृष्टि व कॉमर्शियल दृष्टि से सफल रही। आलोचना तंद आदर्श ने फिल्म में उनके प्रदर्शन के बारे में लिखा कि वह निश्चित रूप से फिल्म देखने लाखों दर्शकों के मन अपनी इस फिल्म के जरिए ले लेंगे। उनकी दो अगली फिल्म हे बेबी और भूल भुलैया दोनों बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। वर्ष का कुमार के लिए आखिरी रिलीज वेलकम थी जिसके बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। ब्लॉकबस्टर का अवसर मिलाता था, साथ में वे पांचवी लगातार हिट फिल्म देने लगे और हीरो बन गए। उस वर्ष कुमार की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई वह विदेशी बाजार में भी अच्छा किया। अक्षय कुमार डेयर टू डॉन्स की एंकर और संरक्षण की भूमिका निभाएंगे। रियलिटी शो लाइक ओके का प्रदर्शित होगा। निजी जीवन, इनका जरा अमृतसर पंजाब भारत के हरिओम भाटिया और अरुणा भाटिया के घर एक पंजाबी परिवार में हुआ था। बॉलीवुड में रहने के दौरान कुमार का नाम उसके साथ काम करने वाले कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया जैसे रवीना टंडन, रेखा और शिल्पा शेट्टी, जानी माने कलाकार राजेश खन्ना, डिम्पल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना से दो बार सगाई होने के बाद अंत में उनकी 14 जनवरी सन 2001 में शादी कर ली। उनके बेटे का नाम आरव है जिसके 15 सितंबर सन 2002 में जन्म लिया। वर्ष सन 2007 में मुंबई के एक जाने माने टैबलॉइड समाचार पत्र में एक खबर छपी कि उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई है और वे घर से बाहर निकल गए हैं। वे एक होटल में रह रहे हैं। बीच में खबर यह भी आई थी कि अफेयर के चलते ट्विंकल खन्ना ने उनको थप्पड़ भी मारा था, पर बाद में अक्षय कुमार ने खुद इस खबरों का खंडन किया। 26 जुलाई को सन 2007 को पति पत्नी ने टैबलॉइड की एक नामूनी नोटिस भेजा जिसमें बताया गया कि वह अफवाह झूठी थी। कुमार ने कहा, नागरिकता सन 2011 में कैनेडाई संघीय चुनाव के दौरान या उसके बाद कुछ समय बाद वहाँ की कंजर्वेटिव सरकार ने एक अल्पज्ञात कानून लागू करके कहा कि कैनेडा की नागरिकता प्रदान की जो कैनेडा के अप्रवासियों के लिए सामान्य निवास आवश्यकता की दरकिनार करने की अनुमति देता है। कंजर्वेटिव पार्टी के पूर्व मंत्री टोनी क्लाइमेट्स के अनुसार कुमार को कनाडा भारतीय संबंधों का आगे बढ़ाने के लिए उपयोग के लिए स्टार पावर और कनाडा के व्यापार संबंधों, व्यावसायिक संबंधों, फिल्म क्षेत्र में डालने की पेशकश के बदले नागरिकता प्रदान की गई थी। पर्यटन क्षेत्र में हालांकि कुमार इससे पहले एक बड़े इंडो कैनेडियन आबादी वाले शहर एंडोटेरियो और ब्रेप टाउन में कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री स्टीफन हॉपर्स के लिए एक अभिमान कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे और हॉपर्स की प्रशंसा की थी। क्लेमेट्स के इस बात से इनकार किया कि नागरिकता पक्षपातपूर्ण समर्थन का पुरस्कार थी। कुमार ने विंडशंस विश्वविद्यालय की डायरेक्टर और मानद उपाधि प्राप्त की थी और अर्थशास्त्री के लगभग 2010 में एक साक्षात्कार में दावा किया कि उसके पास दोहरी नागरिकता है। वह कनाडा के ओलंपिक मशाल वाहक रैली के आमंत्रित सन 2015 अंतर्राष्ट्रीय हादसियों में से एक थे।
दिसंबर सन 2019 में कुमार ने कहा कि उसकी भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन किया और अपनी कैनेडाई नागरिकता छोड़ने की योजना बना रही हैं। इन्हें भी देखिए, अक्षय कुमार को प्राप्त पुरस्कार और नामांकनों की सूची, अक्षय कुमार की फिल्मोग्राफी, भारतीय फिल्म अभिनेताओं की सूची, संदर्भ अक्षय कुमार सीरीज द चिल्ड्रन टेलीविजन और वेरिएप्टिविशंस, अदिति राव हैदरी या लेख की आधारक जानकारी जोर से बढ़ाने के लिए मदद करें। अदिति राव हैदरी एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जिसका जन्म हैदराबाद तेलंगाना में 28 अक्टूबर 1973 में हुआ था। ये शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के निपुण हैं। इन्होंने कई फिल्मों में कार्य किया। सन 2017 की फिल्म वजीर वंडर टू, पाक्षात, अंतरिक्ष, 9000 किलोमीटर पर आवार। अदिति राव हैदरी का नाम हैदराबाद के 28 अक्टूबर को हुआ था। ऐशान हैदरी और उनकी पत्नी विद्या राव एक पक्षनीय शास्त्रीय नागरिक संगीत के ठुमरी और दादरा शैलियों के लिए लोकप्रिय हैं। उसके पिता जो सन 2013 में मारे गए थे बोहरी मुस्लिम थे, जबकि उसकी मां जो जन्म से हिंदू और व्यावसायिक बोध और मंगलोर में चित्रापु शाश्वत है जो आधे तेलुगु। इस प्रकार हैदरी अर्थ हैदराबादी और अर्थ कोंकण विरासत है। हैदरी दो शाही वंशों से संबंधित है, मोहम्मद शाले अकबर हैदरी और विनापार्थी परिवार के पूर्व राजा जे जे रामेश्वर। वह अकबर हैदरी हैदराबाद राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री, ऑप्शन विशेष भारत और असम के पूर्व गवर्नर मोहम्मद शालेकर। अकबर हैदरी के भव्य भतीजी के महान पोती हैं। अदिति के दादा दादी राजा जे राजेश्वर राव हैं जिनके एपोक्सिनेशन भारत के दौरान वनापार्थी राज्य के प्रशासक हैं। मामाज मौजूफ मचाई भारत मूल के 15 जुलाई 2018 को पुरालिखित अभिगमन तिथि 2 जुलाई 2018 डेलीगल समरीजी। अदिति अनित राव एक भारतीय अभिनेता है जो भारतीय टेलीविजन और भारतीय फिल्म उद्योग के लिए अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। राय को छोटे पर्दे का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है। जन्म रनित रोय 11 अक्टूबर 1965, आयु 56 वर्ष, नागपुर महाराष्ट्र भारत, आवास मुंबई महाराष्ट्र भारत, व्यवसाय अभिनेता व्यवसायी, कार्यकाल 1984, वर्तमान ऊंचाई 5 फुट 8 इंच 1.73 मीटर, जीवन साथी नीलम सिंह सन 2003, वर्तमान बच्चे दिन संबंधी रोहित रॉय भाई। एक व्यवसाय ब्रेटिन बोस रॉय की डोली रोज से अधिक बड़े हैं। उनके छोटे भाई रोनित रॉय भी एक टीवी अभिनेता है। रोनित रॉय ने अपना बचपन अहमदाबाद गुजरात में बिताया है। मिथुन चक्रवर्ती बचपन का नाम गुरांग चक्रवर्ती, साजन 16 जून 1950 को हुआ। तो ये भारत के एक फिल्म अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी और राज्यसभा के सदस्य हैं। मिथुन ने अपने अभिनय की शुरुआत कला फिल्म रग्या से की है जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 1980 के दशक में उनके सुनहरे दौर में एक डॉसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को बहुत बड़ा उनके साथ प्रशंसक बने और खुद को उन्होंने भारत में सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्म में डिस्को डांसर एंड में स्टार डांसर जिमी की भूमिका में लोकप्रिय बनाया और 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा लोकप्रिय कलाकार थे। बोस एंथनी डिसूजो द्वारा निर्मित बॉलीवुड की एक एक्शन मसाला फिल्म है जो फिल्म का निर्माण कैप गुड फिल्म और अश्विन वर्दी प्रोडक्शंस ने किया और अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, शिव पंडित, अदिति राव हैदरी और रनित रॉय अभिनीत है। यह स्पष्ट रूप से मलयाली फिल्म पोकरू राजा का पुनर्निर्माण है जिसमें मामूटी, पृथ्वीराज सुकारम और श्रिया सरन से ने अभिनय किया है। बोस निर्देशक हैं एंथनी डिसूजा, निर्माता अश्विन वर्दी, कहानी फरहाद साजिद, पटकथा और संवाद भी आधारित पोकरी राजा, अभिनेता अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, अदिति राव हैदरी, शिव पंडित, रनित रॉय। संगीतकार हैं बीन ब्रोस, अनंजाम, चिरंतन भट्ट, पी ए दीपक, योयो हनी सिंह। वितरक हैं वायको मीटिंग प्रदर्शन तिथि 16 अक्टूबर 2030, समय सीमा 143 मिनट्स, भाषा हिंदी। बोस फिल्म का ट्रेलर अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के साथ 14 अप्रैल 2013 को जारी किया गया जो एक दिन बाद जारी की गई है। फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर 27 अगस्त 2013
को जारी किया गया और यह फिल्म 16 अक्टूबर 2013 को जारी की गई है। कथानाक है एक ईमानदार स्कूल प्रिंसिपल सत्यकांत शास्त्री, मिथुन चक्रवर्ती के दो बेटे सूर्य और एक शिव पंडित है। सूर्य बचपन से ही बेहद गुस्सेल स्वभाव का है, जो अपने पिता या परिवार के खिलाफ कुछ भी सुनता बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब वो छोटा था तभी अपने एक साथी की हत्या इसीलिए की थी क्योंकि वो उसके पिता का मजाक उड़ाता है। इसी कारण सत्यकांत भी उसे तुरंत उसे जाने को कह देते हैं, परंतु उससे ये व्यापारी अपने पास रख लेता और कुछ सालों बाद सूर्य खुद को बॉस में बदल देता है और समाज के अवांछित तत्वों के खिलाफ लड़ता है। इसके कलाकार अक्षय कुमार, बॉस मिथुन चक्रवर्ती, सत्यकांत शास्त्री, शिव पंडित शिव, रोहित रॉय, आयुष्मान ठाकुर, अदिति, राव हयाद्री, अंकिता, जोनी लीवर, जोरावर डिनी डेंसोंग, अपना संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी, प्रीक्षित सहानी, सोनाक्षी सिन्हा, कोमियो अभिनयमी, प्रभुदेवा, हमने छोड़े थोड़े गाने में विशेष उपस्थिति, हनी सिंह, पार्टी ऑल नाइट गाने में विशेष उपस्थिति, अक्षय कुमार पंजाबी, राजीव हरि, ओम भाटिया, 9 सितंबर 1967 को भारत में जन्मी देशी कृत कैनेडाई बॉलीवुड फिल्म अभिनेता है, जो 145 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। जन्म अमृतसर पंजाब, भारत, राष्ट्रीयता कैनेडा, नागरिकता 2011 तक भारत, निवास के बाद कैनेडा, व्यवसाय फिल्म अभिनेता, कार्यकाल 1991, वर्तमान ऊंचाई 5 फीट 11 इंच, जीवन साथी ट्विंकल खन्ना, सन 2001 वर्तमान पुरस्कार श्रेष्ठ खलनायक, 2019 सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता। 90 के दशक में हिट एक्शन फिल्मों जैसे खिलाड़ी, 1992 मोहरा, सबसे बड़ा खिलाड़ी में अभिनय करने के बाद कारण कुमार को बॉलीवुड का एक्शन हीरो की संज्ञा दी जाती है और विशेषतः वे खिलाड़ी संकला के लिए जाने जाते हैं। फिर भी वह रोमांटिक फिल्मों जैसे ये दिल लगी और धड़कन में अपने अभिनय के लिए सम्मानित किए गए हैं और साथ ही साथ ड्रामेटिक फिल्मों जैसे एक रिश्ता में अपना अभिनय क्षमता को दिखाया। सन 2002 में उन्होंने अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खलनायक फिल्म अजनबी में अभिनय के लिए दिया गया। अपनी एक ही छवि को बदलने के इच्छुक अक्षय कुमार से ज़्यादातर कॉमेडी फिल्मों की फिल्म हेरा फेरी, मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला और जाने मन में हास्य अभिनय के लिए फिल्म समीक्षकों द्वारा उनकी प्रशंसा की गई है। सन 2007 में भी सफलता की ऊंचाई को छूने लगे जब उनके द्वारा अभिनीत 4 लगातार कर्मशाली फिल्में हिट हुई। इस तरह से उन्होंने अपने आपको हिंदी फिल्म उद्योग में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में उपस्थिति किया। वे मार्शल आर्ट सामरिक कला की शिक्षा बैंकॉक से प्राप्त करके आए और वहां पर उन्होंने रसोईया की नौकरी भी करते थे। फिर वे मुंबई वापस आ गए जहां वे मार्शल आर्ट की शिक्षा देने लगी। उनका एक विद्यार्थी जो एक फोटोग्राफर था उसने उनको मॉडलिंग करने को कहा। उस विद्यार्थी ने उन्हें एक छोटी कंपनी में एक मॉडलिंग असाइनमेंट दिया उन्हें कैमरे के सामने पोज देने के लिए 2 घंटे के 5,000 रुपये दिए जाते थे। पहली ही तनख्वाह 4,000 रुपये प्रति महीने की तुलना में एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि वे क्यों मॉडल बने। मॉडलिंग करने के 2 महीने बाद कुमार को प्रमोद चक्रवर्ती के अंततः अपनी फिल्म दीदार में अभिनय करने का मौका दिया गया। अक्षय कुमार बॉलीवुड के अभिनय की शुरुआत 1991 की फिल्म सौगंध से की, जो सराही नहीं गई। उनकी पहली फिल्म प्रमुख हिट 1992 की थ्रिलर फिल्म खिलाड़ी थी। 1993 का वर्ष उनके लिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि उनकी अधिकतर फिल्में फ्लॉप हो गई। फिर भी 1994 का वर्ष कुमार के लिए बेहतरीन वर्ष रहा, जिसमें खिलाड़ी के साथ मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी और मोहरा जो साल का सर्वाधिक सफल फिल्मों में था। बाद में यश चोपड़ा ने उन्हें रोमांटिक फिल्म ये दिल लगी में लिया गया, जो एक सफल फिल्म थी। उन्हें उन फिल्म के लिए सराहना मिली जिससे वह रोमांटिक किरदार में थे और बहुत ही अलग था। उनके एक्शन किरदार में उन्हें फिल्म फेयर और स्टार स्क्रीन उत्सवों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला नॉमिनेशंस मिला। ये सारी उपलब्धियां संजय को उस साल का सफलता अभिनेता बना दिया। 1995 में उनकी फिल्म सफल फिल्मों के 7वें खिलाड़ी श्रेणी की 3री फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी में अभिनय किया गया, जो एक हिट फिल्म थी। वे खिलाड़ी श्रेणी की सभी फिल्मों में सफल
रहे ओ ने फिर बाद में वर्ष के खिलाड़ी टाइटल के बाद फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी के अभिनय किया जिसकी जिसमें उनके साथ रेखा और रवीना टंडन थी। यह फिल्म उस साल का सर्वाधिक सफल फिल्म रही। 1997 में यश चोपड़ा की हिट फिल्म दिल तो पागल है में मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई जिसमें से उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकन किया गया। उसी साल वे खिलाड़ी श्रेणी की पांचवी फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी की हास्य भूमिका में नजर आए। खिलाड़ी टाइटल के साथ उनकी पिछली फिल्मों की तरह यह फिल्म हिट हुई और इसी तरह से वह फिल्म की तरह उनका अगला खिलाड़ी नाम भी रिलीज सारी फिल्मों में आने लगा और बॉक्स ऑफिस तक हिट होते चला गया। 1999 की फिल्म में फिल्म संघर्ष और जानवर में उनके किरदार के लिए अच्छी सराहना मिली जबकि पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल हो सकी पर बाद में उन्हें सफलता मिली। सन 2000 में हास्य फिल्म हेरा फेरी के अभिनय किया गया जो हर लिहाज से सफल रही और इस फिल्म में उनके अपने अपनों का एक एक्शन और रोमांटिक भूमिका की तरह एक सफल हास्य रोल भी अच्छी तरह से निभाया। उन्होंने रोमांटिक फिल्म धड़कन में भी काम किया और बाद में उसी साल उन्हें काफ़ी सफलता मिली। सन 2001 फिल्म अजनबी में कुमार एक नकारात्मक किरदार निभाया जिसमें उनकी काफ़ी सराहा गया और बेस्ट विलेन के लिए उनका फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। हेरा फेरी की सफलता के बाद अक्षय कुमार ने एक हास्य फिल्मों में काम किया जिनमें शामिल हैं आवारा पागल दीवाना मुझसे शादी करोगी और गरम मसाला। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही और उनके अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। अपनी एक्शन हास्य और रोमांटिक भूमिका के अलावा कुमार ने ड्रामाई एंड हास्य फिल्म फेयर के बखूबी निभाए जैसे कि ये रिश्ता आंखें बेवफा और वक्त। 2006 में वे हेरा फेरी टाइटल से बनी दूसरी फिल्म फिर हेरा फेरी के अभिनय किया जिससे पिछली फिल्म की तरह इस सफल बॉक्स ऑफिस में सफल हुई। बाद में उसी वर्ष सलमान खान ने के साथ रोमांटिक संगीत फिल्म जाने मन के अभिनय किया गया। इसी फिल्म का बेसब्री से इंतजार था और आलोचना से अच्छा रिव्यू मिलने के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। फिल्म तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी परंतु एक शर्मिले और प्यारे व्यक्ति के रूप में उनकी तारीफ की गई। वे इस वर्ष हास्य फिल्म बागम भाग से समाप्त की और सफल रही और उसी साल गर्म सन 2006 के विनम्र किया गया कि सैफ अली खान प्रीति जिंटा सुष्मिता सेन और सेलिना जेटनी साथ थे। वर्ष 2007 अक्षय कुमार के लिए उनके कैरियर के इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा सफल रहा और बॉक्स ऑफिस के विश्लेषणों में शायद ही कभी नाते के लिए चार सीधे ही तूर बिना किसी फ्लोप में शानदार प्रदर्शन रहा। उनकी पहली फिल्म नमस्ते लंदन आलोचनात्मक दृष्टि व कॉमर्शियल दृष्टि से सफल रही। आलोचना तंद आदर्श ने फिल्म में उनके प्रदर्शन के बारे में लिखा कि वह निश्चित रूप से फिल्म देखने लाखों दर्शकों के मन अपनी इस फिल्म के जरिए ले लेंगे। उनकी दो अगली फिल्म हे बेबी और भूल भुलैया दोनों बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। वर्ष का कुमार के लिए आखिरी रिलीज वेलकम थी जिसके बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। ब्लॉकबस्टर का अवसर मिलाता था साथ में वे पांचवी लगातार हिट फिल्म देने लगे और हीरो बन गए। उस वर्ष कुमार की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई वह विदेशी बाजार में भी अच्छा किया। अक्षय कुमार डेयर टू डॉन्स की एंकर और संरक्षण की भूमिका निभाएंगे। रियलिटी शो लाइक ओके का प्रदर्शित होगा। निजी जीवन इनका जरा अमृतसर पंजाब भारत के हरिओम भाटिया और अरुणा भाटिया के घर एक पंजाबी परिवार में हुआ था। बॉलीवुड में रहने के दौरान कुमार का नाम उसके साथ काम करने वाले कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया जैसे रवीना टंडन रेखा और शिल्पा शेट्टी जानी माने कलाकार राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना से दो बार सगाई होने के बाद अंत में उनकी 14 जनवरी सन 2001 में शादी कर ली। उनके बेटे का नाम आरव है जिसके 15 सितंबर सन 2002 में जन्म लिया। वर्ष सन 2007 में मुंबई के एक जाने माने टैबलॉइड समाचार पत्र में एक खबर छपी कि उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई है और वे घर से बाहर निकल गए हैं। वे एक होटल में रह रहे हैं। बीच में खबर यह भी आई थी कि अफेयर के चलते ट्विंकल खन्ना ने उनको थप्पड़ भी मारा था पर बाद में अक्षय कुमार ने खुद इस खबरों का खंडन किया। 26 जुलाई को सन 2007 को पति पत्नी ने टैबलॉइड की एक नामूनी नोटिस भेजा जिसमें बताया गया कि वह अफवाह झूठी थी। कुमार ने कहा
नागरिकता सन 2011 में कनाडाई संघीय चुनाव के दौरान या उसके बाद कुछ समय बाद वहाँ की कंजर्वेटिव सरकार ने एक अल्पज्ञात कानून लागू करके कहा कि कनाडा की नागरिकता प्रदान की जो कनाडा के अप्रवासियों के लिए सामान्य निवास आवश्यकता की दरकिनार करने की अनुमति देता है। कंजर्वेटिव पार्टी के पूर्व मंत्री टोनी क्लाइमेट्स के अनुसार कुमार को कनाडा भारतीय संबंधों का आगे बढ़ाने के लिए उपयोग के लिए स्टार पावर और कनाडा के व्यापार संबंधों व्यावसायिक संबंधों फिल्म क्षेत्र में डालने की पेशकश के बदले नागरिकता प्रदान की गई थी। पर्यटन क्षेत्र में हालांकि कुमार इससे पहले एक बड़े इंडो कैनेडियन आबादी वाले शहर एंडोटेरियो और ब्रेप टाउन में कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री स्टीफन हॉपर्स के लिए एक अभिमान कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे और हॉपर्स की प्रशंसा की थी। क्लेमेट्स के इस बात से इनकार किया कि नागरिकता पक्षपातपूर्ण समर्थन का पुरस्कार थी। कुमार ने विंडशंस विश्वविद्यालय की डायरेक्टर और मानद उपाधि प्राप्त की थी और अर्थशास्त्री के लगभग 2010 में एक साक्षात्कार में दावा किया कि उसके पास दोहरी नागरिकता है। वह कनाडा के ओलंपिक मशाल वाहक रैली के आमंत्रित सन 2015 अंतर्राष्ट्रीय हादसों में से एक थे। दिसंबर सन 2019 में कुमार ने कहा कि उसकी भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन किया और अपनी कनाडाई नागरिकता छोड़ने की योजना बना रही हैं। इन्हें भी देखिए, अक्षय कुमार को प्राप्त पुरस्कार और नामांकनों की सूची, अक्षय कुमार की फिल्मोग्राफी, भारतीय फिल्म अभिनेताओं की सूची, संदर्भ अक्षय कुमार सीरीज ऑफ चिल्ड्रन टेलीविजन और वेरिएप्टिविशंस, अदिति राव हैदरी या लेख एक आधारक जानकारी जोर से बढ़ाने के लिए मदद करें। अदिति राव हैदरी एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जिसका जन्म हैदराबाद तेलंगाना में 1973 में हुआ था। ये शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के निपुण हैं। इन्होंने कई फिल्मों में कार्य किया। सन 2017 की फिल्म वजीर वंडर टू पाक्षात अंतरिक्ष 9000 किलोमीटर पर आवार। अदिति राव हैदरी का नाम हैदराबाद के 28 अक्टूबर को हुआ था। ऐशान हैदरी और उनकी पत्नी विद्या राव एक पक्षीय शास्त्रीय नागरिक संगीत के ठुमरी और दादरा शैलियों के लिए लोकप्रिय हैं। उसके पिता जो सन 2013 में मारे गए थे बोहरी मुस्लिम थे, जबकि उसकी मां जो जन्म से हिंदू और व्यावसायिक बोध और मंगलोर में चित्रापू शाश्वत है जो आधे तेलुगु। इस प्रकार हैदरी अर्थ हैदराबादी और अर्थ कोंकण विरासत है। हैदरी दो शाही वंशों से संबंधित है। मोहम्मद शाली अकबर हैदरी और विना पार्थी परिवार के पूर्व राजा जे जे रामेश्वर वह अकबर हैदरी हैदराबाद राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री ऑप्शन वेसेस भारत और असम के पूर्व गवर्नर मोहम्मद शालेकर अकबर हैदरी के भव्य भतीजी के महान पोती हैं। अदिति के दादा दादी राजा जे राजेश्वर राव हैं जिनके अपोक्शनेशंस भारत के दौरान वनापार्थी राज्य के प्रशासक हैं। मामाज मोजूफ मचाई भारत मूल के 15 जुलाई सन 2018 को पुरालिखित अभिगमन तिथि 2 जुलाई सन 2018 डेलीगल समरीजी। अदिति अनित राव एक भारतीय अभिनेता है जो भारतीय टेलीविजन और भारतीय फिल्म उद्योग के लिए अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। राय को छोटे पर्दे का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है। जन्म रणित रॉय 11 अक्टूबर 1965, आयु 56 वर्ष, नागपुर महाराष्ट्र भारत, आवास मुंबई महाराष्ट्र भारत, व्यवसाय अभिनेता व्यवसायी, कार्यकाल 1984, वर्तमान ऊंचाई 5 फुट 8 इंच 1.73 मीटर, जीवन साथी नीलम सिंह सन 2003, वर्तमान बच्चे दिन संबंधी रोहित रॉय भाई। एक व्यवसाय ब्रेटिन बोस रॉय की डोली रॉय से अधिक बड़े हैं। उनके छोटे भाई रोनित रॉय भी एक टीवी अभिनेता है। रोनित रॉय ने अपना बचपन अहमदाबाद गुजरात में बिताया है। मिथुन चक्रवर्ती बचपन का नाम गुरांग चक्रवर्ती, साजन 16 जून 1950 को हुआ। तो ये भारत के एक फिल्म अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी और राज्यसभा के सदस्य हैं। मिथुन ने अपने अभिनय की शुरुआत कला फिल्म रग्या से की है जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 1980 के दशक में उनके सुनहरे दौर में एक डॉसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को बहुत बड़ा उनके साथ प्रशंसक बने और खुद को उन्होंने भारत में सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्म में डिस्को डांसर एंड
में स्टार डांसर जिमी की भूमिका में लोकप्रिय बनाया और 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा लोकप्रिय कलाकार थे। बोस एंथनी डिसूजा द्वारा निर्मित बॉलीवुड की एक एक्शन मसाला फिल्म है। जो फिल्म का निर्माण कैप गुड फिल्म और अश्विन वर्दी प्रोडक्शंस ने किया और अक्षय कुमार, विधुन चक्रवर्ती, शिव पंडित, अदिति राव हयाद्री और रोहित रॉय अभिनीत है। यह स्पष्ट रूप से मलयाली फिल्म पोकरू राजा का पुनर्निर्माण है, जिसमें मामूटी, पृथ्वीराज सुकारम और श्रिया शरण से ने अभिनय किया है। बोस निर्देशक हैं एंथनी डिसूजा, निर्माता अश्विन वर्दी, कहानी फरहाद साजिद, पटकथा और संवाद भी आधारित पोकरी राजा, अभिनेता अक्षय कुमार, मितिन चक्रवर्ती, अदिति राव हयाद्री, शिव पंडित, रोहित रॉय। संगीतकार हैं बीन ब्रोस, अनंजाम, चिरंतन भट्ट, पी ए दीपक, योयो हनी सिंह। वितरक हैं वायको मीटिंग पिटिशन, तिथि 16 अक्टूबर 2030, समय सीमा 143 मिनट्स, भाषा हिंदी। बोस फिल्म का ट्रेलर अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के साथ 14 अप्रैल 2013 को जारी किया गया, जो एक दिन बाद जारी की गई है। फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर 27 अगस्त 2013 को जारी किया गया और यह फिल्म 16 अक्टूबर 2013 को जारी की गई है। कथानाक है एक ईमानदार स्कूल प्रिंसिपल सत्यकांत शास्त्री, मिथुन चक्रवर्ती के दो बेटे सूर्य और एक शिव पंडित है। सूर्य बचपन से ही बेहद गुस्सेल स्वभाव का है, जो अपने पिता या परिवार के खिलाफ कुछ भी सुनता बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब वो छोटा था तभी अपने एक साथी की हत्या इसीलिए की थी क्योंकि वो उसके पिता का मजाक उड़ाता है। इसी कारण सत्यकांत भी उसे जाने को कह देते हैं, परंतु उससे ये व्यापारी अपने पास रख लेता है और कुछ सालों बाद सूर्य खुद को बोस में बदल देता है और समाज के अवांछित तत्वों के खिलाफ लड़ता है। इसके कलाकार अक्षय कुमार, बोस, मिथुन चक्रवर्ती, सत्यकांत शास्त्री, शिव पंडित, शिव, रणित रोय, आयुष्मान ठाकुर, अदिति राव हयाद्री, अंकिता, जोनी लीवर, जोरावर डिनी, डेंसोंग अपना, संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी, प्रीक्षित सहानी, सोनाक्षी सिन्हा, कोमियो अभिनय में प्रभुदेवा, हमने छोड़े थोड़े गाने में विशेष उपस्थिति, हनी सिंह, पार्टी ऑल नाइट गाने में विशेष उपस्थिति, अक्षय कुमार पंजाबी, राजीव हरि, ओम भाटिया, 9 सितंबर 1967 को भारत में जन्मी देशी कृत कैनेडाई बॉलीवुड फिल्म अभिनेता है, जो 145 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। जन्म अमृतसर, पंजाब, भारत, राष्ट्रीयता कैनेडा, नागरिकता 2011 तक भारत, निवृत्ति के बाद कैनेडा, व्यवसाय फिल्म अभिनेता, कार्यकाल 1991, वर्तमान ऊंचाई 5 फीट 11 इंच, जीवन साथी ट्विंकल खन्ना, सन 2001 वर्तमान पुरस्कार श्रेष्ठ खलनायक, 2019 सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता। 90 के दशक में हिट एक्शन फिल्मों जैसे खिलाड़ी, 1992 मोहरा, सबसे बड़ा खिलाड़ी में अभिनय करने के बाद कारण कुमार को बॉलीवुड का एक्शन हीरो की संज्ञा दी जाती है और विशेषतः वे खिलाड़ी श्रृंखला के लिए जाने जाते हैं। फिर भी वह रोमांटिक फिल्मों जैसे ये दिल लगी और धड़कन में अपने अभिनय के लिए सम्मानित किए गए हैं और साथ ही साथ ड्रामेटिक फिल्मों जैसे एक रिश्ता में अपना अभिनय क्षमता को दिखाया। सन 2002 में उन्होंने अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खलनायक फिल्म अजनबी में अभिनय के लिए दिया गया। अपनी एक ही छवि को बदलने के इच्छुक अक्षय कुमार से ज़्यादातर कॉमेडी फिल्मों की फिल्म हेरा फेरी, मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला और जाने मन में हास्य अभिनय के लिए फिल्म समीक्षकों द्वारा उनकी प्रशंसा की गई है। सन 2007 में भी सफलता की ऊंचाई को छूने लगे जब उनके द्वारा अभिनीत 4 लगातार कर्मशाली फिल्में हिट हुई। इस तरह से उन्होंने अपने आपको हिंदी फिल्म उद्योग में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में उपस्थिति किया। वे मार्शल आर्ट, सामरिक कला की शिक्षा बैंकॉक से प्राप्त करके आए और वहां पर उन्होंने रसोईया की नौकरी भी करते थे। फिर वे मुंबई वापस आ गए जहां वे मार्शल आर्ट की शिक्षा देने लगी। उनका एक विद्यार्थी जो एक फोटोग्राफर था, उसने उनको मॉडलिंग करने को कहा। उस विद्यार्थी ने उन्हें एक छोटी कंपनी में एक मॉडलिंग असाइनमेंट दिया,
उन्हें कैमरे के सामने पोज देने के लिए 2 घंटे के 5,000 रुपये दिए जाते थे। पहली ही तनख्वाह 4,000 रुपये प्रति महीने की तुलना में एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि वे क्यों मॉडल बने। मॉडलिंग करने के 2 महीने बाद कुमार को प्रमोद चक्रवर्ती के अंततः अपनी फिल्म दीदार में अभिनय करने का मौका दिया गया। अक्षय कुमार बॉलीवुड के अभिनय की शुरुआत 1991 की फिल्म सौगंध से की, जो सराही नहीं गई। उनकी पहली फिल्म प्रमुख किट 1992 की थ्रिलर फिल्म खिलाड़ी थी। 1993 का वर्ष उनके लिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि उनकी अधिकतर फिल्में फ्लॉप हो गई। फिर भी 1994 का वर्ष कुमार के लिए बेहतरीन वर्ष रहा, जिसमें खिलाड़ी के साथ मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी और मोहरा जो साल का सर्वाधिक सफल फिल्मों में था। बाद में यश चोपड़ा ने उन्हें रोमांटिक फिल्म ये दिल लगी में लिया गया, जो एक सफल फिल्म थी। उन्हें उन फिल्म के लिए सराहना मिली जिससे वह रोमांटिक किरदार में थे और बहुत ही अलग था। उनके एक्शन किरदार में उन्हें फिल्म फेयर और स्टार स्क्रीन उत्सवों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला नॉमिनेशंस मिला। ये सारी उपलब्धियां संजय को उस साल का सफलता अभिनेता बना दिया। 1995 में उनकी फिल्म सफल फिल्मों के 7वें खिलाड़ी श्रेणी की तीसरी फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी में अभिनय किया गया, जो एक हिट फिल्म थी। वे खिलाड़ी श्रेणी की सभी फिल्मों में सफल रहे और उन्हें फिर बाद में वर्ष के खिलाड़ी टाइटल के बाद फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी के अभिनय किया, जिसमें उनके साथ रेखा और रवीना टंडन थी। यह फिल्म उस साल का सर्वाधिक सफल फिल्म रही। 1997 में यश चोपड़ा की हिट फिल्म दिल तो पागल है में मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई, जिसमें से उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकन किया गया। उसी साल वे खिलाड़ी श्रेणी की 5वीं फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी की हास्य भूमिका में नजर आए। खिलाड़ी टाइटल के साथ उनकी पिछली फिल्मों की तरह यह फिल्म हिट हुई और इसी तरह से वह फिल्म की तरह उनका अगला खिलाड़ी नाम भी रिलीज सारी फिल्मों में आने लगा और बॉक्स ऑफिस तक हिट होते चला गया। 1999 की फिल्म में फिल्म संघर्ष और जानवर में उनके किरदार के लिए अच्छी सराहना मिली, जबकि पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल हो सकी पर बाद में उन्हें सफलता मिली। सन 2000 में हास्य फिल्म हेरा फेरी के अभिनय किया गया, जो हर लिहाज से सफल रही और इस फिल्म में उनके अपने अपनों का एक एक्शन और रोमांटिक भूमिका की तरह एक सफल हास्य रोल भी अच्छी तरह से निभाया। उन्होंने रोमांटिक फिल्म धड़कन में भी काम किया और बाद में उसी साल उन्हें काफ़ी सफलता मिली। सन 2001 फिल्म अजनबी में कुमार एक नकारात्मक किरदार निभाया, जिसमें उनकी काफ़ी सराहा गया और बेस्ट विलेन के लिए उनका फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। हेरा फेरी की सफलता के बाद अक्षय कुमार ने एक हास्य फिल्मों में काम किया, जिनमें शामिल हैं आवारा पागल दीवाना, मुझसे शादी करोगी और गरम मसाला। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही और उनके अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का 2वां फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। अपनी एक्शन हास्य और रोमांटिक भूमिका के अलावा कुमार ने ड्रामाई एंड हास्य फिल्मफेयर के बखूबी निभाए, जैसे कि ये रिश्ता, आंखें, बेवफा और वक्त। 2006 में वे हेरा फेरी टाइटल से बनी दूसरी फिल्म फिर हेरा फेरी के अभिनय किया, जिससे पिछली फिल्म की तरह इस सफल बॉक्स ऑफिस में सफल हुई। बाद में उसी वर्ष सलमान खान ने के साथ रोमांटिक संगीत फिल्म जाने मन के अभिनय किया गया। इसी फिल्म का बेसब्री से इंतजार था और आलोचना से अच्छा रिव्यू मिलने के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। परंतु एक शर्मिल और प्यारे व्यक्ति के रूप में उनकी तारीफ की गई। वे इस वर्ष हास्य फिल्म भागम भाग से समाप्त की और सफल रही और उसी साल गर्म सन 2006 के विनम्र किया गया कि सैफ अली खान, प्रीति जिंटा, सुष्मिता सेन और सेलिना जेटनी साथ थे। वर्ष सन 2007 अक्षय कुमार के लिए उनके कैरियर के इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा सफल रहा और बॉक्स ऑफिस के विश्लेषणों में शायद ही कभी नाते के लिए 4 सीधे ही तूर बिना किसी फ्लोप में शानदार प्रदर्शन रहा। उनकी पहली फिल्म नमस्ते लंदन आलोचनात्मक दृष्टि व कॉमर्शियल दृष्टि से सफल रही।